इस कहानी की शुरुआत में हमें ईस्ट जुआन रीजन का सीन दिखाया जाता है, जहां हम एक डेमन मार्टिन को देखते हैं, जिसका नाम लिन डियाओ होता है, जिसके पीछे कुछ लोग पड़े हुए थे क्योंकि उस डेमन मार्टिन के पास एक टेलिस्मैन स्टोन था, इसीलिए वो सभी लोग उस स्टोन को छीनने के लिए उसके पीछे पड़े हुए थे। मार्टिन उनसे बचते हुए भाग रहा था, पर वो उसे ढूंढ लेते हैं और कहते हैं कि हमें वो स्टोन दे दो, अब तुम भाग नहीं सकते। पर वो मार्टिन पहाड़ से छलांग लगा देता है और डूक्यूविंस को करके उड़ने लगता है, पर उस पर हमला करके उसे नीचे गिरा देते हैं। मार्टिन देखता है कि उसे चारों तरफ से घेर लिया गया है। वो सोचता है कि मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि मैं इसी सिचुएशन में फंस जाऊंगा। अब वो अपने मुंह से स्टोन बाहर निकाल लेता है और कहता है कि अगर मैं इस स्टोन की पावर का आनंद नहीं उठा सका तो मैं तुम्हें भी इसका मजा नहीं लेने दूंगा। और अब वो खुद को सेक्रीफाइस कर देता है, जिससे एक तेज धमाका होता है और सभी खत्म हो जाते हैं। वो मार्टिन खत्म हो गया था और उसकी सोल उस स्टोन में चली गई थी। वो स्टोन एक गुफा के अंदर चला जाता है। मार्टिन कहता है कि मैं इस स्टोन के अगले वारिस का इंतजार करूंगा। फिर अब हम कई सालों के बाद का सीन देखते हैं, जहां लिन फैमिली के इंटरनल और आउटर ब्रांच के लोगों के बीच टूर्नामेंट होने वाला था, जिसमें टॉप 10 में आने वाले स्टूडेंट को प्राइज के साथ साथ इंटरनल ब्रांच में आने का मौका मिलेगा। इसीलिए आउटर ब्रांच की लिन फैमिली ने इसमें भाग लिया था, क्योंकि ओल्ड लिन जेन 3 सालों पहले टॉप 10 में ना आने की वजह से उन्हें इंटरनल ब्रांच से निकाल दिया गया था। और आज उनका बेटा लिन जियो वापस से इस कंपटीशन में भाग लेने वाला था, जो काफी जीनियस था। लिन जेन को विश्वास था कि उसका बेटा उन्हें इंटरनल ब्रांच में वापस लेकर जाएगा। लिन जियो अपने बेटे लिन डोंग और अपनी वाइफ के साथ वहाँ आता है। वो अपने बेटे को अपनी माँ के पास रहने को कहता है और लड़ने के लिए अखाड़े में आ जाता है। लिन जियो का प्रतिद्वंदी लिन लांग तियान था, जो लिन फैमिली की इनर ब्रांच से था। सभी जोर से उसका नाम चिल्लाने लगते हैं। ये देखकर लिन जियो के दोनों भाई हैरान होते हैं कि आखिर ये कौन है जो हमारे तीसरे भाई को हराना चाहता है। एक सर्वेंट उन्हें बताता है कि लिन लांग तियान पूरे कॉन्टिनेंट में फेमस है। इसने 10 साल की उम्र में टेम्पर्ड बॉडी की 9 स्टेज को पार करके अर्थली युआन स्टेज में प्रवेश कर लिया था। 12 साल की उम्र में वो हेवनली युआन स्टेज में चला गया और 15 साल की उम्र में वो इनर एनर्जी यिन यांग को जमा करने में सक्षम हो गया था। अब वो युआन 10 स्टेज में पहुंच चुका है, इसीलिए वो बहुत ताकतवर है, जैसे उसे भगवान से ये सब टैलेंट मिला हो। इससे लिन जियो के भाई लिन मेंग और लिन के परेशान हो जाते हैं। लिन जियो लिन लांग तियान को प्रणाम करता है, पर लिन लांग तियान बहुत घमंडी था, इसीलिए उसे प्रणाम नहीं करता। तो लिन जियो अपनी पावर को एक्टिवेट करके उस पर हमला करने आता है, पर लिन लांग तियान बहुत पावरफुल होने की वजह से उसके एक्टिवेशन सीट को ही निकाल लेता है। सभी से हैरान हो जाते हैं, लिन जियो कुछ नहीं कर पाता। लिन लांग कहता है कि लिन जियो मेरे सामने कुछ नहीं है, फिर भी ये खुद को जीनियस समझता है। ये आउटर ब्रांच का कचरा है और उसके कल्टीवेशन सीट को खत्म कर देता है। इससे लिन जियो कमजोर होकर नीचे गिर जाता है। लिन डोंग को इससे बहुत गुस्सा आता है। लिन जियो का कल्टीवेशन सीट खत्म होने की वजह से वो अब आगे प्रमोट नहीं हो सकता था, जिससे अब सभी उसे कचरा मानने लगे थे। अब वो अपने परिवार से भी दूर रहने चला जाता है और बहुत ज्यादा शराब पीने लगता है। लिन जियो की वाइफ उसे शराब पीने से मना करती है, पर वो नहीं सुनता और कहता है कि मैं सिर्फ एक कचरा हूँ। लिन डोंग भी ये सब देख रहा था, जो अभी सिर्फ 10 साल का था। वो अपने पिता से कहता है कि आप कचरा नहीं हो, ये सब लिन लांग तियान की वजह से हुआ। वो अपनी हद पार करके आगे निकल गया था। गुस्से में लिन जियो अपने बेटे को धक्का दे देता है। इससे लिन डोंग दुखी हुआ वहाँ से भागने लगता है। गाँव के दूसरे बच्चे भी लिन डोंग को हमेशा परेशान करते थे। वो उसे कहते हैं कि तुम्हारे पिता की वजह से हम इंटरनल ब्रांच में वापस नहीं लौट पाए, तुम्हारे पिता एक कचरा है। लिन डोंग अब 16 साल का हो चुका था, पर उसके परिवार के दूसरे लड़के अभी भी उसे परेशान करते थे। लिन डोंग उन्हें कहता है कि मेरे पिता कचरा नहीं है। लिन शान नाम का लड़का उसे कहता है कि तुम हमारे सामने बोलने का साहस कर रहे हो, तुम्हारे पिता के साथ ही तुम भी एक कचरा हो, तुम हमारा एक मुक्का भी सहन नहीं कर सकते। वो सभी उसे मारने लगते है। लिन डोंग उनसे लड़ने की कोशिश करता है, पर वो उसे मार मार कर पहाड़ से नीचे गिरा देते हैं। लिन शान हंसता हुआ कहता है कि तुम्हें जिंदगी भर पीटा जाएगा और तुम कभी स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाओगे। लीडर डोंग लुढ़कते हुए पहाड़ से नीचे एक पत्थर पर आकर गिरता है। उसके हाथ से खून निकल रहा था, वो खून नीचे पड़े टेलिस्मैन स्टोन पर आकर गिरता है, जिससे स्टोन एक्टिवेट हो जाता है। लिन डोंग उस स्टोन के साथ नीचे पानी में आकर गिरता है। लिन डोंग सोचता है कि उसे अपने पिता का बदला लेने
के लिए स्ट्रॉन्ग बनना होगा। मैं लिन लांग तियान को एक दिन जरूर आऊंगा। तभी और टेलिस्मैन स्टोन एक्टिवेट होकर लिन डोंग की बॉडी में चला जाता है। लिन डोंग की जब आँख खुलती है तो गुफा में होता है। वो अपने घाव देखता है पर उसके पूरे घाव ठीक हो चुके थे। इससे वो हैरान हुआ। अपने हाथ को देखता है, उसका हाथ ग्लो कर रहा था क्योंकि उसके हाथ में टेलिस्मैन स्टोन प्रवेश कर चुका था। पर लिन डोंग को इसका जरा भी इल्म नहीं था। वो अपने घर आकर अभी भी अपने हाथ को देख रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आता कि उसके हाथ के साथ क्या हुआ होगा। तभी कोई उसका दरवाजा नोक करता है। वो जब गेट खोलता है तो वहाँ उसकी सिस्टर किंग टेन होती है क्योंकि उसे लिन डोंग की बहुत फिक्र थी। वो उससे पूछती है कि क्या लिन शान ने तुम्हें फिर से परेशान किया। लिन डोंग कहता है कि मैं ठीक हूँ। किंग टेन कहती है कि लिन शान मजबूत है इसीलिए हमेशा दूसरों को परेशान करता है। मेरे पापा भी तुम्हें पढ़ाना नहीं चाहते इसीलिए तुम स्ट्रॉन्ग नहीं हो और उन्हें हरा नहीं पाओगे। लिन डोंग कहता है कि तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मैं ठीक हूँ। किंग टेन इससे खुश होती है कि उसे कहीं चोट नहीं आई। किंग टेन कहती है कि हमारे चाचा लिन मेंग के दो बच्चे बहुत दुष्ट हैं। लिन शान बहुत ही बुरा है और उसका भाई लिन होंग हमेशा लोगों को ब्लैकमेल करता है। लिन डोंग कहता है कि पहले अंकल और पिता के बीच अच्छे रिलेशनशिप थे पर अब इन बातों को याद करने का कोई फायदा नहीं। और वो उससे अपने पापा के बारे में पूछता है तो बताती है कि वो ठीक है, मैं कल पहाड़ों में उनके लिए मेडिसिन की तलाश करने जाऊंगी। साथ ही मैं तुम्हारे लिए भी कुछ हर्ब ढूंढूंगी जिससे तुम्हें ट्रेनिंग लेने में मदद मिलेगी ताकि तुम उस कमीने लिन शान को हरा पाओ। लिन डोंग उसे तेज कहता है और आराम करने के लिए जाने को कहता है। किंग टेंग कहती है कि मैं सो नहीं सकती, मुझे तुम्हारे साथ कुछ देर खेलना है। लिन डोंग उसे बताता है कि रात बहुत हो चुकी है इसीलिए तुम्हें जाना चाहिए पर वो उनकी नहीं सुनती इसीलिए वो दोनों साथ में खेलने लग जाते हैं। बहुत देर तक वो दोनों खेलते रहते हैं। कुछ देर बाद किंग टेन वहाँ से चली जाती है। लिन डोंग अपने हाथ को देखते हुए कहता है कि मुझे जल्दी पता लगाना होगा कि मेरे हाथ में ये क्या चीज है। अगर मुझे इसके बारे में पता नहीं चला तो मुझे नींद नहीं आएगी। पर वो कुछ ही देर में सो जाता है। रात में लिन डोंग की स्पिरिचुअल बॉडी उस टेलिस्मैन स्टोन वर्ल्ड में चली जाती है। लिन डोंग को कुछ समझ नहीं आता। तभी वहाँ बहुत सारे बेम्बू बाहर निकल आते हैं। साथ ही उसमें से एक शेडो भी बाहर निकल आती है जो लिन डोंग पर हमला करके उसे ट्रेन करने की कोशिश करता है। लिन डोंग सभी बेम्बू से बचता जाता है। लिन डोंग देखता है कि उस शेडो बॉडी की पावर टेम्पर्ड बॉडी की थर्ड स्टेज पर है और अब वो भी वहाँ प्रैक्टिस करने लगता है और उस शेडो बॉडी के वार को रोकता है। फिर हम अगली सुबह का सीन देखते हैं। लिन डोंग की जब आँख खुलती है तो वो देखता है कि उसका पूरा कमरा बिखरा हुआ है। लिन डोंग सोचता है कि क्या इस पत्थर की वजह से हुआ। तभी उसे किंग टेन के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है क्योंकि लिन शान उसे परेशान कर रहा था। लिन डोंग जल्दी से दौड़कर उस तरफ जाने लगता है। लिन शान किंग टेन को कहता है कि इस स्कारलेट सन ग्रास को हमने कल खोज लिया था और हम इसे आज लेने जाने वाले थे इसीलिए तुम चुपचाप हमें यह हर्ब दे दो, तुम्हें बचाने वाला यहाँ कोई नहीं है। अगर लिन डोंग तुम्हें बचाने आया तो कचरे का डिब्बा हमारी मार खाएगा। और वो हंसने लगता है। किंग टेन कहती है कि तुम मेरे भाई को परेशान मत किया करो। लिन शान कहता है कि तुम्हें उसकी इतनी फिक्र क्यों हो रही है, वो तुम्हारा सगा भाई नहीं है। किंग टेन को ना चाहते हुए भी उन्हें स्कारलेट सनग्रास देनी पड़ती है। लिन शान उसे लेने लगता है पर तभी वहाँ लिन डोंग आकर उसे दूर गिरा देती है। लिन शान उठकर कहता है कि कुछ दिनों में तुम्हारी हिम्मत बहुत बढ़ चुकी है। किंग टेन लिन डोंग से कहती है कि तुम उनसे मत लड़ो, मैं उन्हें स्कारलेट सनग्रास दे दूंगी। लिन डोंग कहता है कि तुम डरो मत, मैं सब ठीक कर दूंगा। और वो लिन शान से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। लिन शान उस पर हमला करता है जिससे लिन डोंग का पूरा हाथ ग्लो करने लगता है क्योंकि वो सपने में की गई अपनी ट्रेनिंग से प्रमोट हो गया था। अब वो टेम्पर्ड बॉडी के फोर्थ स्टेज पर पहुंच गया था। लिन डोंग भी समझ जाता है कि ये सब उस स्टोन की वजह से हुआ है। लिन शान ये देखकर हैरान रह जाता है और उसे कहता है कि कुछ दिनों पहले तुम टेम्पर्ड बॉडी के दूसरे स्टेज पर थे पर कचरा तो हमेशा कचरा ही रहता है। वो दोनों लड़ने लग जाते हैं। लिन डोंग अपने एक मुक्के से उसे दूर फेंक देता है क्योंकि उसने पेनिट्रेटिंग एको की सेवंथ फिस्ट का इस्तेमाल किया था। लिन डोंग भी इससे खुश हुआ कहता है कि कल की कल्टिवेशन वास्तव में कमाल की थी। लिन शान वापस खड़ा हो जाता है। वो दोनों एक दूसरे पर हमला करने आने लगते हैं पर तभी वहाँ लिन होंग आकर उन्हें दूर कर देता है। लिन होंग लिन शान का भाई था इसीलिए उसे कहता है कि टेम्पर्ड बॉडी के फोर्थ स्टेज पर तुम अभी नहीं पहुँचे हो इसीलिए तुम्हारा लिन डोंग से कोई मुकाबला नहीं है। और अपने कजन भाई लिन डोंग से कहता है कि तुमने अपनी पावर को बहुत अच्छे से छिपाया है। लिन डोंग कहता है कि मेरी पावर तुम्हारे सामने कुछ नहीं है क्योंकि लिन होंग टेम्पर्ड बॉडी के सेवन स्टेज पर था। लिन शान अपने
अपने भाई से कहता है कि कचरा बहुत ज्यादा बोलता है, इसीलिए हमें इसे सबक सिखाना होगा। लिनोंग कहता है कि हम बेवजह लड़ाई नहीं कर सकते वरना हमें सजा मिलेगी। और लिनडोंग से कहता है कि तुम्हारे पिता का कल्टिवेशन टैलेंट कमाल का था, लेकिन अब वो बीमार है। मुझे नहीं लगता कि अब उसके पास ट्रेन करने की ताकत होगी। अब तुम आगे प्रमोट नहीं हो पाओगे। और किनटेन को कहता है कि तुम बहुत खूबसूरत हो, जल्दी हम एक परिवार बन जाएंगे। अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मेरे पास आना। लिनडोंग कहता है कि कौन तुमसे शादी करना चाहेगा। लिनोंग कहता है कि क्या तुम नहीं जानते, थोड़े दिनों में हमारी जनरेशन का एक टूर्नामेंट होगा। जब मैं उसमें जीत जाऊंगा तो मैं दादाजी से किंग टेंग से शादी करने की बात करूंगा। किंग टेंग इससे परेशान हो जाती है। लिनडोंग को उस पर गुस्सा आता है और उस पर हमला करने जाने लगता है, पर किंग टेंग उसे रोक लेती है क्योंकि वो जानती थी कि लिनोंग बहुत पावरफुल है। लिनोंग अपने साथियों के साथ वहाँ से चला जाता है। लिनडोंग अपनी बहन से कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं उसे तुमसे शादी नहीं करने दूंगा। तभी हम देखते हैं कि लिन जियो भी ऊपर खड़े सब देख रहे थे, इसीलिए लिनडोंग को अपने साथ लेकर जाते हैं और पूछते हैं कि तुम कब से पेनेट्रेटिंग फिफ्थ की सेवन फिस्ट का इस्तेमाल करने लगे हो। लिनडोंग कहता है कि कल से मैं इसे करने में काबिल हो गया हूँ। लिन जियो कहते हैं कि बहुत अच्छा है और अब वो लिनडोंग को ट्रेन करने लगते हैं और उसे बताते हैं कि पेनेट्रेटिंग फिफ्थ की सेवंथ इको फिस्ट से तुम लिनहोंग को हरा नहीं सकते। चार साल पहले मेरा भविष्य बर्बाद हो गया था, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम भी मेरे जैसे बनो। अगर तुम शक्तिशाली बनना चाहते हो तो तुम्हें बेम्बू की तरह बनना होगा, जिसे कितना भी मोड़ने पर वो वापस खड़ा हो जाता है क्योंकि इसका बेस मजबूत है। तुम्हारा टैलेंट बहुत अच्छा है। मैंने बहुत बड़ी गलती की जो मैंने तुम्हें ट्रेन नहीं किया। मैं तुम्हें लिनहोंग को हराने के लिए डेसोलेशन पाम टेक्निक सिखाऊंगा, जो लेवल टू मार्शल आर्ट्स टेक्निक है। लिनडोंग इससे बहुत खुश हो जाता है। फिर हम रात का सीन देखते हैं जहाँ लिनडोंग किंग टेंग के साथ टहल रहा था। वो उसे बताता है कि डेसोलेशन पाम टेक्निक वास्तव में लेवल टू की मार्शल आर्ट टेक्निक है, क्योंकि लेवल वन वाली पेनेट्रेटिंग फिस्ट टेक्निक से कई गुना मजबूत है। जब मैं इसे सीख लूंगा तब मैं इसे तुम्हें भी सिखाऊंगा। किंग टेंग बहुत उदास थी। लिनडोंग समझ जाता है कि उसे इस बात की फिक्र थी कि उसकी शादी लिनहोंग से हो जाएगी। लिनडोंग उसे कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें उसके साथ कभी नहीं जाने दूंगा। किंग टेन कहती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी वजह से खुद को चोट पहुंचाओ। लिनडोंग टेंपर्ड बॉडी के सेवन स्टेज में है। लिनडोंग कहता है कि मैं उससे भी आगे निकल जाऊंगा, अगर मैं मजबूत हो गया तो तुम्हें मुझसे कोई नहीं छीन पाएगा। किंग टेन खुश हुई उसे गले लगा लेती है। तभी उसे कुछ होने लगता है और उसकी पूरी बॉडी ठंडी होने लगती है, क्योंकि किंग टेन को एक बहुत ही अजीब और लाइलाज बीमारी थी जिससे उसकी पूरी बॉडी ठंडी हो जाती थी। किंग टेन लिनडोंग को दूर रहने को कहती है ताकि उसे चोट ना पहुंचे, पर वो उसे उठाकर घर ले आता है। वो पूरी रात उसके पास रहता है ताकि वो ठीक हो सके। तभी वो स्टोन किंग टेन की ठंड को सोखने लगता है और वो उस आइस से पील को रिफाइन करता है। कुछ ही देर में किंग टेन भी ठीक हो जाती है। लिनडोंग उन पील को छिपा लेता है और उसे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, तो उसे थेस कहती है और बताती है कि मेरी चिलिंग कोल्ड बीमारी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, क्या इससे तुम्हें दर्द पहुंचा। लिनडोंग कहता है कि इतना सा जहर मुझे कैसे हानि पहुंचा सकता था, मैंने पहले ही चिलिंग कोल्ड से बचने के लिए एक मेथड की ट्रेनिंग ली है। किंग टेन कहती है कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, पिता ने कहा था कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। लिनडोंग कहता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, और वो एक कागज को उठाकर स्टोन की मदद से उसकी ठंड को बाहर निकाल लेता है, जिससे स्टोन की वजह से क्रिस्टल बन जाता है। इससे किंग टेन को भी लिनडोंग की बातों पर विश्वास हो जाता है और वो कहती है कि तुम कमाल के हो। लिनडोंग उसे चुप रहने को कहता है और बताता है कि ये सीक्रेट सिर्फ हमारे बीच रहना चाहिए, तुम हमारे पेरेंट्स को भी इस बारे में कुछ मत बताना। तो उसकी बात मान लेती है और उस क्रिस्टल को एक लॉकेट की तरह पहन लेती है। लिनडोंग उसे कहता है कि तुम बहुत प्यारी लग रही हो, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें लिनहोंग के साथ नहीं जाने दूंगा। अब वो मजबूत होने के लिए कड़ी ट्रेनिंग करने लग जाता है। लगातार वो कई दिनों तक मेहनत करता है और अब वो युआन पावर सीट को भी एक्टिवेट कर लेता है, यानी अब वो टेम्पर्ड बॉडी की सिक्स स्टेज पर पहुंच चुका था। फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ फैमिली टूर्नामेंट शुरू होने वाला था, इसीलिए सभी अरीना के पास पहुंच जाते हैं क्योंकि आज यंग जनरेशन के सबसे पावरफुल लड़के को चुना जाएगा। लिन जियो भी वहाँ किंग टेन के साथ आ जाते हैं। लिन मैंग अपने भाई जियो को वहाँ देखकर हैरान होता हुआ कहता है कि आज फाइनली तुम्हें अपनी झोपड़ी छोड़ने का टाइम ही मिल गया। तभी वहाँ उनके डैड लिन जेन तियान भी आ जाते हैं, जो अपने बेटे को वहाँ देखकर खुश हुए कहते हैं कि तुमने मुझे बहुत इंतजार करवाया, पर अब सब कुछ भूल जाओ और वो
आगे आकर सभी से कहते हैं कि आज हमारे लिन फैमिली का टूर्नामेंट शुरू होने वाला है, इसलिए हमारे परिवार का कोई भी युवा व्यक्ति इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। जो लड़का आखिरी तक मैदान में खड़ा रहेगा वो जीत जाएगा और यंग मैन हमारे लिन फैमिली का स्ट्रॉन्गेस्ट यंग मैन बनेगा। किंग टेन देखती है कि उसका भाई लिन डोंग अभी तक वहाँ नहीं आया है। लिन डोंग अभी भी उस स्टोन के अंदर ट्रेनिंग ले रहा था। स्टोन शेडो बॉडीज लिन डोंग को ट्रेन कर रही थी। लिन डोंग उनके हमलों से दूर गिर जाता है। वो शेडो बॉडीज ए डेसोलेशन पाम टेक्निक का इस्तेमाल कर रही थी। लिन डोंग सोचता है कि इन्हें हराने के लिए टेम्पर्ड बॉडी की सिक्स्थ स्टेज पर्याप्त नहीं होगी और वो वापस से उनसे लड़ने आगे आता है। वही हम एरिना का सीन देखते है जहाँ लिन होंग सभी को हरा देता है और अब वो अपने भाई लिन शान से लड़ रहा था, पर लिन शान भी उसके सामने नहीं टिक पाता और उसे दूर फेंक देता है। लिन शान अपने भाई को कहता है कि वास्तव में तुम बहुत ताकतवर हो, अब कोई भी लिन होंग से फाइट करने के लिए आगे नहीं आता, इसीलिए किंग टेन को ही मैदान में आना पड़ता है ताकि उसका भाई वहाँ आ सके। लिन होंग उसे कहता है कि वास्तव में मेरी होने वाली वाइफ बहुत आक्रामक है। किंग टेन उसे कहती है कि मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगी और उसे हमला करती है, पर वो उसके सामने कमजोर थी। लेकिन लिन होंग उसे नहीं मारता और कहता है कि मैं तुम्हें कभी चोट नहीं पहुँचाना चाहता, इसीलिए हार मान लो, पर वो हार मानने को तैयार नहीं होती। लिन जियो से फाइट करने से मना करते हैं। किंग टेन देखती है कि लिन डोंग अभी भी वहाँ नहीं आया है, पर उसे ना चाहते हुए भी पीछे हटना पड़ता है। लिन जेन तियान अब अनाउंसमेंट करने लगते हैं कि लिन होंग ही सबसे पावरफुल है, पर तभी वहाँ लिन डोंग आ जाता है जो अपने दादा को रोक लेता है और कहता है कि मैं भी एक बार कोशिश करना चाहता हूँ। वो उसे लड़ने की इजाजत दे देते हैं। लिन होंग लिन डोंग से कहता है कि मेरे पिता ने तुम्हें नहीं पढ़ाया, पर आज मैं तुम्हें अच्छा पाठ पढ़ाऊंगा। लिन डोंग कहता है कि मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास कैसा कौशल है। वो दोनों अब फाइट करने लग जाते हैं। लिन डोंग आसानी से लिन होंग के हमलों को रोक रहा था। ये देखकर सभी समझ जाते हैं कि लिन डोंग टेम्पर्ड बॉडी की सिक्स्थ स्टेज पर पहुँच गया है और वो दोनों वापस फाइट करने लग जाते हैं। लिन डोंग उस पर अपनी फिफ्थ की नाइन्थ इको टेक्निक का इस्तेमाल करता है। इससे सभी हैरान रह जाते हैं, तो उसे टेंथ इको टेक्निक का इस्तेमाल करके बताता है, जिससे सभी के होश उड़ जाते हैं क्योंकि सभी उसे कचरा समझते थे। लिन होंग कहता है कि तुम्हारी ये लेवल वन की मार्शल आर्ट टेक्निक मेरे खिलाफ किसी काम की नहीं है। अब वो वापस फाइट करने लगते हैं। लिन डोंग अब एट डेसोलेशन पाम टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिससे वो लिन होंग को दूर कर देता है। लिन होंग हैरान होता है कि वो लेवल टू की टेक्निक को भी जानता है। अब उन दोनों के बीच खतरनाक फाइट होने लगती है। लिन डोंग लिन होंग को मार रहा था। लिन होंग कहता है कि तुम टेम्पर्ड बॉडी के सिक्स्थ स्टेज पर हो, फिर तुम इतने ताकतवर कैसे हो सकते हो। लिन डोंग अब युआन पावर सीट को एक्टिवेट करता है, जिससे सभी को पता चलता है कि लिन डोंग सेवंथ स्टेज पर पहुंच चुका है। लिन डोंग लिन होंग से कहता है कि तुम मेरी बहन से शादी करना चाहते हो, पर तुम उसके काबिल नहीं हो। तुमने सालों से मेरे पिता और मेरा मजाक उड़ाया, पर आज इसे चुकाने का वक्त आ गया है। मैंने इसके लिए दिन रात मेहनत की और वो उसे अपने एक वार से दूर फेंक देता है, जिससे वो अरिना के बाहर जाकर गिरता है। यह देखकर सभी लोग खुश होते हैं। अब लिन डोंग जीत चुका था। लिन जेन तियान इसका ऐलान करते हैं। फिर हम रात का सीन देखते हैं जहाँ लिन जेन तियान अपने बेटों को एक मैप दिखाते हुए बताते हैं कि हमारे विरोधी ली और जी फैमिली एक मैरिज रिलेशन की वजह से एकजुट हो गए हैं, जिससे उनकी ताकत बहुत बढ़ चुकी है। अगर वो हमें किंग यान टाउन से बाहर निकालना चाहते हैं तो यह उनके लिए मुश्किल नहीं होगा, इसीलिए हमें अपने पावर और सेना को बढ़ाने के लिए रेजिंग ब्लेड डोजो फैमिली के साथ हाथ मिलाना होगा। लिन मेंग कहते हैं कि रेजिंग ब्लेड डोजो फैमिली किंग यान गांव के किनारे पर है और वो कभी ट्री ग्रेड फैमिली के मामलों को महत्व नहीं देता, इसीलिए हम उन्हें कैसे कन्विंस करेंगे। लिन जेन तियान कहते हैं कि अलायंस के बारे में बात करने के लिए मैंने पहले किसी को भेज दिया है और उन दोनों को बैटल ऑफ हंटिंग अरेना के बारे में बताकर कहते हैं कि बैटल ऑफ हंटिंग कॉम्पिटिशन कुछ ही दिनों में होने वाला है, जिसमें सभी फैमिली के यंग मैन भाग लेंगे और हम इस कॉम्पिटिशन में हार नहीं सकते। हम हमारी फैमिली से लड़ने के लिए लिन डोंग को भेजेंगे, इसीलिए तुम इस महीने उसे पावरफुल बनाने की पूरी कोशिश करना ताकि उसके लेवल को बढ़ा सको। फिर हमें ले फैमिली के कोर्ट यार्ड को दिखाया जाता है, जहाँ ली परिवार का लीडर ले बाओ और जीए फैमिली का लीडर जीए क्वीन मौजूद था, जिसने अपनी बेटी जीए यिंग यिंग की शादी ले बाओ के बेटे ले ली से कर दी थी। जीए क्वीन कहता है कि इस बार लिन फैमिली के टूर्नामेंट में लिन डोंग ने जीत हासिल की है, पर मुझे लगता है कि वो सौभाग्य से उसके खिलाफ जीत पाया होगा। ले बाओ कहता है कि हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे बेटे का कल्टिवेशन टैलेंट
पहले ही अर्थली युवान क्लास में पहुंच चुका है और इन एनर्जी भी उसके डायफ्राम में प्रवेश कर चुकी है, इसीलिए इसे कोई हरा नहीं सकता और वो दोनों हंसने लगते हैं। लेली अपने पिता से कहता है कि एंटिंग टूर्नामेंट में उस लिनडोंग को दिखाऊंगा कि ताकतवर होने का क्या मतलब होता है। फिर अब हम हंटिंग कॉम्पिटिशन एरिया का सीन देखते हैं जहाँ लिन फैमिली पहुंच चुकी थी। लिन जियो अपने बेटे को बताते हैं कि जल्दी हंटिंग कॉम्पिटिशन शुरू होगा और तुम्हें फायर पाइथन टाइगर का सामना करना होगा, पर यह फायर पाइथन हेवनली युवांग स्टेज में है इसीलिए इसे बीट करना बहुत मुश्किल है। तुम्हें केवल उसके शरीर के फ्लेक को प्राप्त करना होगा। तभी वहाँ लेई बाओ भी अपने साथियों के साथ आ जाता है। वो लिन जेंतियान से कहता है कि बहुत समय से तुमसे मुलाकात नहीं हुई। तभी वहाँ रेजिंग ब्लेड जोजो का हेड लुओ चेंग अपने बेटे वुई उनके साथ आ जाता है। लुओ चेंग लेई बाओ से कहता है कि हमेशा की तरह सारे प्राइज इस बार भी तुम ही लेकर जाओगे और हम देखते रह जाएंगे, क्योंकि मैंने सुना है कि तुम्हारे बेटे लेली ने पहले ही अर्थली युआन स्टेज में प्रवेश कर लिया है। वो यून लिनडोंग को अपने पास बुलाता है। लिनडोंग सोचता है कि आखिर लड़का मुझे क्यों बुला रहा होगा, पर वो अपने दादा कहने पर उसके पास जाता है। वो यून उसे बताता है कि नीचे वेटिंग एरिया में तुम्हारी बहन को कोई परेशान कर रहा है। लिनडोंग परेशान हुआ जल्दी से वेटिंग एरिया की तरफ जाता है। वही हम देखते है कि किंग टेन को जी ए यिंग परेशान कर रही होती है। वो उसे कहती है कि मैंने तुम्हें सिर्फ एक थप्पड़ मारा और तुम रो रही हो, मैं तुमसे सिर्फ ये नेकलेस उधार चाहती हूँ, मैं कुछ दिनों में तुम्हें इसे लौटा दूंगी, क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है। किंग टेन उसे कहती है कि तुम सरेआम मुझसे इसे चुराना चाहते हो। तो जी यिंग कहती है कि ऐसा कीमती नेकलेस तुम्हारे परिवार का नहीं लगता, जरूर तुमने इसे कहीं से चुराया होगा। किंग टेन कहती है कि तुम बकवास मत करो, ये नेकलेस मुझे मेरे भाई ने दिया था। जी यिंग कहती है कि तुम्हारा भाई कचरा है, उसके पास ऐसा कीमती नेकलेस कहाँ से आ सकता है, और उसे वो छीनने की कोशिश करती है। तभी वहाँ लिनडोंग आकर उसे दूर कर देता है। जी यिंग कहती है कि तुम हमारे बीच में मत आओ, तुम सिर्फ एक कचरा हो, मैं सिर्फ तुम्हारी छोटी बहन के साथ खेल रही थी। और उसे नीचा दिखाने के लिए कहती है कि तुम्हारी लिन फैमिली में वास्तव में कोई मर्द नहीं है, इसीलिए उन्होंने तुम दोनों बेवकूफों को यहाँ कॉम्पिटिशन में भाग लेने के लिए भेज दिया। लिनडोंग को उस पर गुस्सा आ जाता है और उसे जोरदार चाटा मारता है। तभी वहाँ लेई भी आ जाता है जो लिनडोंग पर हमला करता है, पर वो खुद को बचा लेता है। लेली उसे कहता है कि तुम्हारी मत कैसे हुई, जो तुमने मेरी वाइफ पर हाथ उठाया, क्या तुम्हारी इच्छा मरने की है। लिनडोंग उसे कहता है कि तुम्हारी वाइफ ने मेरी बहन को मारा, इसीलिए मैंने उसे मारा, इसमें गलत क्या है। लेली उस पर हमला करने लगता है, पर तभी वहाँ वो यून अपनी तलवार फेंक कर उन्हें रोक देता है। जज भी वहाँ गए थे जो उन्हें कहते हैं कि कॉम्पिटिशन शुरू होने वाला है और यहाँ किसी को लड़ने की इजाजत नहीं है। अब जज सभी को कॉम्पिटिशन के रूल बताते हैं कि तुम सभी को फायर पाइथन टाइगर का फ्लेग प्राप्त करना है। अगर तुम में से एक से ज्यादा ने फ्लेग को प्राप्त किया तो उनके बीच 1-1 कॉम्पिटिशन होगा और जो जीतेगा उसे सारा प्राइज मिलेगा और उसे हंटिंग किंग कहा जाएगा। लेकिन इस कॉम्पिटिशन में किसी को भी एक दूसरे को चोट नहीं पहुँचानी है। तो जज कॉम्पिटिशन को शुरू करते हैं। अब सभी जंगल की तरफ निकल जाते हैं। किंग टेन अपने भाई से कहती है कि तुमने अभी जी यिंग के साथ लड़ाई की, इसीलिए तुम्हें संभल कर रहना होगा। लिनडोंग उसे कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं उनसे नहीं डरता। तभी उन्हें अजीब सा शोर सुनाई देता है, क्योंकि लेली और उसके साथियों ने फायर पाइथन टाइगर को घेर लिया था। क्योंकि फायर पाइथन टाइगर अभी घायल हालत में था, इसीलिए इस मौके का फायदा उठाकर उस पर हमला करने लगते हैं, पर वो खुद को बचाते हुए उन्हें दूर कर रहा था। लिनडोंग और किंग टेन भी छिपकर ये सब देख रहे थे। तभी उन्हें झाड़ियों में से किसी की आड़ सुनाई देती है। किंग टेन उस तरह एरो से हमला करती है, पर वहाँ वो यून अपने एक दोस्त के साथ होता है। वो यून उस एरो को पकड़ लेता है। उस एरो में उसे बहुत ठंडा एहसास होता है, क्योंकि उसमें आईसी एनर्जी थी। वो उस एरो को अपने पास रख लेता है। किंग टेन अपने भाई से कहती है कि लड़का बहुत बोलता है, हमें इससे सावधान रहना होगा। वो यून लिनडोंग से कहता है कि लेली ने पहले ही इस फायर पाइथन टाइगर को पकड़ने की योजना बना ली होगी, इसीलिए हमें साथ मिलकर उन पर हमला करना होगा, इससे हमारे जीतने की संभावना बहुत बढ़ जाएगी। और उसे अपना प्लान बताता है। लिनडोंग को भी उसका प्लान अच्छा लगता है। वो यून कहती है कि जीतने के बाद हमें जो भी इनाम मिलेगा हम उसे आधा आधा बांट लेंगे। किंग टेन कहती है कि हम तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं कर सकते। तो वो यून कहता है कि जब जी यिंग तुम्हें परेशान कर रही थी तब मैंने ही तुम्हारे भाई को इस बारे में बताया था। लिनडोंग अब उसकी डील को स्वीकार कर लेता है। अब वो चारों लेली से लड़ने के लिए आगे आ जाते हैं और उनसे फाइट करने लगते हैं। लिनडोंग अकेला ही लेली से फाइट करने लगता है। मौका पाकर वो यून फायर पाइथन टाइगर पर हमला करता है और उसके फ्लेग को
हासिल कर लेता है। ये देखकर लेली उस पर हमला करता है पर उसके वार से बच जाता है। लिनडोंग उसे वहाँ से भागने को कहता है, वो उनसे बचकर भागने लगता है। लिनडोंग किंग टेन को वो उनके साथी के साथ वापस जाने को कहता है क्योंकि वो घायल हो चुका था। अब वो खुद लेली के पीछे जाता है। वही वो यून काफी खुश होता है कि वो हंटर किंग बन गया, पर तभी वो लेली के बिछाए हुए जाल में फंस जाता है, जो जाल उन्होंने फायर पाइथन टाइगर को पकड़ने के लिए बिछाया था। इस तरह लेली वो फ्लेग हासिल कर लेता है। वो यून उन्हें कहता है कि तुमने मेरे साथ चीटिंग की है और मैं सभी को इसके बारे में बता दूंगा। तो लेली कहता है कि अगर तुम जिंदा ही नहीं रहोगे तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। तभी लिनडोंग भी वहाँ जाता है और उसे कहता है कि तुम नियम को तोड़ रहे हो क्योंकि इस टूर्नामेंट में किसी भी इंसान को मारना नियमों के खिलाफ है। तो लेली उसे फायर पाइथन टाइगर की गुफा दिखाकर कहता है कि किसी को पता नहीं चलेगा कि इसे मैंने मारा। सभी समझेंगे कि इसे फायर पाइथन ने मारा है और वो हुई उनको लात मारकर फायर पाइथन की गुफा में फेंक देता है। लिनडोंग भी उसे बचाने के लिए नीचे गुफा में चला जाता है। लियाइंग कहती है कि ये दोनों मूर्ख है, अब इन्हें कोई नहीं बचा सकता, और वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। लिनडोंग जब गुफा में जाता है तो देखता है कि फायर पाइथन टाइगर सोया हुआ था, इसीलिए वो जल्दी से वो यून को जाल से आजाद करवाता है। वो यून उसे कहता है कि क्या तुम पागल हो जो अपनी जान खतरे में डालकर मुझे बचाने आ गए। लिनडोंग कहता है कि हमारे बीच डील हुई थी और मैं उसे तोड़ नहीं सकता। वो यून को एहसास होता है कि एक अच्छा इंसान है। अब वो दोनों वहाँ से निकलने लगते है, पर तभी वो यून की जेब में रखा एरो नीचे गिरने लगता है। वो उसे रोकने की कोशिश करते हैं पर वो गलती से टाइगर के पास जाकर गिर जाता है, जिससे उस टाइगर की आँख खुल जाती है और उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। पर वो फायर पाइथन काफी बीमार और कमजोर था, इसीलिए वो वहीं अपना दम तोड़ देता है। वो यून चेक करता है तो उसे पता चलता है कि वो फायर पाइथन मर चुका है। लिनडोंग कहता है कि इस गुफा में जरूर कोई सीक्रेट है, हो सकता है कि ये टाइगर यहाँ किसी चीज की रक्षा कर रहा हो। वो जब वहाँ चेक करते हैं तो उन्हें दो फायर पाइथन टाइगर बेबी नजर आते हैं, जिन्हें देखकर वो खुश होते हैं। लिनडोंग वो यून से कहता है कि क्या इन टाइगर बेबी की कीमत फ्लेग से ज्यादा है। वो यून कहता है कि बेशक इनकी कीमत ज्यादा है क्योंकि बेबी होने की वजह से इन्हें ट्रेन किया जा सकता है, बड़े होने पर ये हमारा साथ देंगे और ये बहुत स्ट्रांग होंगे। तुम मुझे बचाने यहाँ गुफा में आए थे, इसीलिए तुम पहले इसमें से एक बच्चे को चुन सकते हो। लिनडोंग दोनों बच्चों पर हाथ फेरता है। वो जैसे ही कमजोर बच्चे पर हाथ रखता है तो उसके हाथ में मौजूद स्टोन ग्लो करने लगता है, इसीलिए उस बच्चे को चुन लेता है। वो यून कहता है कि ये बेबी बीमार लग रहा है, फिर भी तुमने इस बच्चे को क्यों चुना। लिनडोंग कहता है कि मुझे इसमें अपनापन महसूस हुआ। वो यून अब दूसरे बच्चे को उठा लेता है। लिनडोंग फायर पाइथन से कहता है कि आप चिंता मत करना, हम आपके बच्चे का अच्छे से ख्याल रखेंगे, और अब वहाँ से निकल जाते हैं। वही हम देखते हैं कि किंग टेन और बाकी सभी टूर्नामेंट ग्राउंड पर सभी के लौटने का इंतजार कर रहे थे। तभी वहाँ लेली और जियाइंग आ जाते हैं। लेली सभी को फ्लेग दिखाकर बताता है कि मैंने इसे हासिल किया, इसीलिए मैं जीत गया। किंग टेन उससे अपने भाई के बारे में पूछती है। लेली सभी से झूठ कहता है कि जीतने के लिए लिनडोंग और वो यून फायर पाइथन की गुफा में कूद गए। मुझे लगता है कि अब वो अपनी जान गंवा चुके होंगे। किंग टेन कहती है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। लिन जियो भी कहते हैं कि मेरा बेटा ऐसा कभी नहीं कर सकता। तभी वहाँ लिनडोंग और वो यून आ जाते हैं। किंग टेन अपने भाई को देखकर बहुत खुश होती है। लेली हैरान होता है कि ये दोनों गुफा से कैसे बाहर आ गए। लेली कहता है कि भले ही तुम जिंदा लौट कर आए हो पर इसका क्या फायदा, फ्लेग मेरे पास है, इसीलिए जीत मेरी हुई। तो लिनडोंग कहता है कि हम भी कुछ लेकर आए हैं, और उन्हें अपने साथ लाए हुए फायर पाइथन बेबी दिखाते हैं। वो यून उसे कहता है कि तुमने हमें गुफा में फेंक दिया, इसीलिए हम इन फायर बेबी को ढूंढने में कामयाब हुए। तुम्हारा ले परिवार जीतने के लिए कुछ भी कर सकता है। वो यून के डेड को लेली पर गुस्सा आता है। तो लेली कहता है कि तुम लोग दूध के दूल्हे नहीं हो, मैं फायर पाइथन की ऊर्जा को कम कर रहा था और उसे हमने पकड़ा, पर तुम उसे छीना चाहते थे, और अगर हम उस फायर पाइथन को कमजोर नहीं करते तो तुम कभी इन बच्चों को प्राप्त नहीं कर पाते। और वो अपने दादा से कहता है कि मैंने पहले फ्लेग को प्राप्त किया, इसीलिए सारा इनाम मुझे मिलना चाहिए। ले बाओ के मन में फायर टाइगर बेबी को देखकर लालच आ जाता है और वो कहता है कि ये बेबी किसी एक के ही हो सकते हैं। जे क्यून कहता है कि इन तीनों ने फ्लेग को हासिल किया है, इसीलिए इनके बीच में मैच होगा, पर अभी इनाम का बंटवारा करना आसान नहीं है। लिन जेन तियान और वुन्यू के डेड फायर पाइथन बेबी की डील करने को तैयार नहीं होते। तो ले बाओ कहता है कि ऐसी वे कॉम्पिटिशन है, इसीलिए अगर मेरा बेटा फाइट में जीत गया तो फायर पाइथन बेबी हमारे होंगे। लिन जेन तियान कहते हैं कि तुम हमसे बच्चों को चुराना चाहते हो, क्योंकि अगर तुम्हारा बेटा हार भी गया तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं
नहीं होगा। तो लेई बाओ कहता है कि अगर तुम्हारा बेटा जीत गया तो मैं लिन परिवार को अपना आयरन विलेज दे दूंगा। इससे लिने जेन तियान सोच में पड़ जाते हैं क्योंकि आयरन विलेज को हासिल करने से उनके लिन परिवार को बहुत फायदा होगा। लिन डोंग सोचता है कि बूढ़ा बड़ा खेल खेलना चाहता है क्योंकि इसको लगता है कि इसके बेटे से कोई जीत नहीं सकता, इसीलिए वो लेई ली के साथ फाइट करने की डील कर लेता है। फिर अब हम देखते हैं कि लिन डोंग और लेई ली के बीच फाइट होने वाली थी, इसीलिए वो एरिना में आ गए थे। जियो क्यून कहता है कि हमने लिन फैमिली को थोड़ा सा लालच दिया और हमारे जाल में फंस गए। लेई बाओ कहता है कि ये लिन फैमिली का लड़का कभी बाहर नहीं निकला, इसीलिए नहीं जानता कि मेरे पोते की ताकत कितनी ज्यादा है। लिन जेन तियान भी लिन डोंग के फैसले से खुश नहीं थे। वो कहते हैं कि लिन डोंग को इतना लापरवाह नहीं होना चाहिए। लिन के अंकल कहते हैं कि लिन डोंग ना समझ नहीं है, उसे लेई ली की शक्तियों का अंदाजा है और उसके पास जरूर कुछ स्पेशल टेक्निक होगी, इसीलिए उसने लड़ने का फैसला लिया। लिन डोंग और लेई ली अब लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेई ली अपने पावर को एक्टिवेट करता है जिससे सभी को पता चलता है कि वो क्लास 2 अर्थली युआन स्टेज में है। लिन डोंग भी अपने पावर को एक्टिवेट करता है जिससे सभी चौंक जाते हैं क्योंकि वो भी अर्थली युआन स्टेज में था। लिन के हैरान हुआ अपने भाई से कहता है कि कुछ दिन पहले तो ये केवल टेम्पर्ड बॉडी के 9 स्टेज पर था, ये इतनी जल्दी कैसे प्रमोट हो गया। फिर हमें पास का सीन दिखाया जाता है जब स्टोन ने किंग 10 की आईसी बॉडी से पिल रिफाइन की थी। डोंग ने वो पिल अपने पिता को दिखाई, उन्होंने उसे बताया था कि ये यिन पर्ल है जिसमें बहुत ज्यादा मात्रा में यिन एनर्जी होती है जो किसी को भी लेवल अप करने में मदद कर सकती है। इसे लेने के बाद तुम आसानी से अर्थली युआन स्टेज में चले जाओगे, पर इसकी यिन एनर्जी बहुत अराजक है, इसीलिए तुम अपने करंट लेवल के साथ इसे लेने की कोशिश मत करना। पर डोंग ने उस पिल को ले लिया था। लेली डोंग से कहता है कि भले ही तुम अर्थली युआन स्टेज में हो पर मैं तुम्हें हरा दूंगा, और वो दोनों फाइट करने लग जाते हैं। काफी देर तक फाइट करने के बाद भी लेली उसे जीत नहीं पा रहा था, इसीलिए वो सोचता है कि मुझे अब अपनी स्पेशल टेक्निक का इस्तेमाल करना होगा, और वो थंडरस्टॉर्म टेक्निक को एक्टिवेट करके डोंग पर हमला करने लगता है जो एक लेवल 3 की टेक्निक थी। डोंग उसके पंच को रोक रहा था और अब वो अपने मार्शल आर्ट टैलेंट का इस्तेमाल करके लेली पर हमला करने लगता है। इससे लेली दूर जाकर गिरता है। डोंग उसे कहता है कि हार मान लो, पर ली कहता है कि मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, और अब वो लेवल 4 टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है। इससे लिन जियो और लिन के डर जाते हैं। लिन के लेई बाओ से कहता है कि यह कोई मौत की लड़ाई नहीं है, इसीलिए तुम इतनी खतरनाक टेक्निक का इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेई बाओ कहता है कि मेरे परिवार के लिए हर लड़ाई मौत की लड़ाई होती है, और अगर तुम्हें डर लग रहा है तो तुम खुद ही सरेंडर क्यों नहीं कर देते। लिन के अपने डेड से कहता है कि हमें सरेंडर करना होगा वरना ये फैमिली डोंग को मार देगी। लिन जेन तियान को ऐसा ही लगता है और उनके पास कोई रास्ता नहीं था, पर लिन जियो उन्हें रोक देता है और कहता है कि हमें डोंग की काबिलियत पर विश्वास रखना चाहिए। डोंग अब खुद को बचाने के लिए वंडर गेट सेल को एक्टिवेट करने लगता है जो लेवल 3 की टेक्निक थी। लिन जेन तियान कहते हैं कि हमारे परिवार की स्पेशल टेक्निक है पर इनकम्प्लीट है, अगर इसने इतनी डिफिकल्ट टेक्निक सीख भी ली तो ये केवल लेवल 1 पर होगी, और ये डैशिंग लाइटनिंग के हमले को कैसे रोक सकती है। लेई ली अपनी डैशिंग लाइटनिंग टेक्निक से उस पर हमला करने लगता है, पर डोंग वंडर गेट सील को एक्टिवेट कर लेता है और इसने इस सील की सेकंड स्टेज तक प्रैक्टिस की थी, इसीलिए लेई ली को रोक लेता है और वंडर सील के हमले से उसे दूर गिरा देता है। सब ये देख कर दंग रह जाते हैं। लेई ली उठने की काफी कोशिश करता है पर वो वापस गिर कर हार जाता है। लिन फैमिली इससे काफी खुश होती है। लेई बाओ को डोंग पर काफी गुस्सा आता है पर वो कुछ नहीं कर सकता था। लिन जेन तियान लेई बाओ से कहते हैं कि आधे महीने में स्टीलवुड मैनर का कंट्रोल हमें सौंप देना, हर कोई तुम्हें देख रहा है, इसीलिए मुझे विश्वास है कि लेई फैमिली अपनी बात जरूर रखेगी। जिए क्वीन लेई बाओ से कहता है कि तुम्हें गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ आप जैसा पावरफुल कोई और नहीं है, अभी हम इन्हें गाँव सौंप देंगे पर जल्दी हम इन पर हमला करके सब कुछ वापस हासिल कर लेंगे। अब वो सभी वहाँ से निकल जाते हैं। फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं। डोंग किंग 10 के साथ फायर पाइथन बेबी के साथ खेल रहा था और उसका नाम जियोयान रखता है। अब ऐसे ही दिन बीते रहते हैं। जियोयान बहुत जल्दी बड़ा हो रहा था, उसे देखकर वो यून कहता है कि पहले कमजोर था पर अब ये बहुत जल्दी बड़ा हो रहा है। 15 दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। डोंग जियोयान के साथ अपनी फैमिली के पास जाता है जहाँ वो देखते हैं कि लेई फैमिली ने आयरन विलेज में मौजूद स्टीलवुड मैनर को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, यहाँ तक उन्होंने वहाँ रहने की जमीन भी नहीं छोड़ी थी। वो वहाँ पूरी जगह को चेक करने जाते हैं। लिन जियो कहते हैं कि ये लेई परिवार के लोग कमीने हैं, इन्होंने जंगल को भी नहीं छोड़ा। डोंग भी जियोयान के साथ वहीं था, तभी जियो
एलियन को कुछ अजीब सा महसूस होता है, इसीलिए वो तेजी से दौड़कर एक पहाड़ के पास जाता है और उसे खोदने लगता है। डोंग भी उसके पीछे जाता है जियोयान को। वहाँ पहाड़ में एक गुफा मिलती है, वो जब उसके अंदर जाते हैं तो वहाँ बहुत गर्मी होती है क्योंकि वो जगह लावे से भरी हुई थी। वहाँ एक बहुत बड़े मॉन्स्टर का कंकाल भी पड़ा हुआ था। जियोयान जल्दी से उस मॉन्स्टर के ऊपर चला जाता है और उस मॉन्स्टर का कोर बाहर निकाल देता है, जिसकी स्मेल से ही जियोयान यहाँ आया था। जियोयान उस सोल कोर को खा लेता है। डोंग उसके मुंह से कोर बाहर निकालने की कोशिश करता है पर उसे खा चुका था। डोंग को लगता है कि इससे जियोयान पर बुरा असर पड़ेगा पर उसे कुछ नहीं हुआ था। तभी डोंग की नजर वहाँ उगे एक फूल पर जाती है। डोंग देखता है कि उस मॉन्स्टर का मुंह भी उसी फूल की तरफ था, इससे वो समझ जाता है कि वो फूल को ही खाने यहाँ आया होगा। तभी जियोयान को उस सोल कोर की वजह से कुछ होने लगता है और उसके मुंह से आग निकलने लगती है। डोंग उसके पास जाने लगता है पर तभी वो फूल डोंग को अपनी तरफ खींचने लगता है। उस फूल की एनर्जी से डोंग को बहुत दर्द होता है पर तभी वो टेलिस्मैन स्टोन उस फूल की एनर्जी को अपने अंदर एजो कर लेता है, जिससे डोंग की जान बच जाती है। डोंग को वहाँ गुफा में एक चमकीला स्टोन भी मिलता है। वहीं लिन जेन तियान डोंग के खो जाने से बहुत परेशान थे और वो सभी को उसे ढूंढने को कहते हैं, पर तभी जियोयान डोंग को खींच कर वहाँ ले आता है। सभी उसे पूछते हैं कि तुम कहाँ गए थे, पर उन्हें कहता है कि मुझे एक स्टोन मिला है और उन्हें रेड स्टोन दिखाता है। तो सभी उसे देख कर हैरान हुए कहते हैं कि ये यांग गुआंग स्टोन है, जो कोई नॉर्मल स्टोन नहीं था क्योंकि ये नेचुरल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता था। इसीलिए वो कहते हैं कि अगर मुझे मिल गया तो मुझे युआन डेन क्लास में पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। डोंग उन्हें बताता है कि मुझे ये स्टोन लावा से भरी हुई एक गुफा में मिला। लिन के कहता है कि वो जगह जरूर यांग एनर्जी की खान हो सकती है। सभी इससे खुश होते हैं और वो जल्दी से उस गुफा में आकर खोदने लग जाते हैं, जिससे उन्हें वहाँ बहुत सारे यांग स्टोन ग्लो होते हुए नजर आते हैं। वो सभी इससे खुश होते हैं क्योंकि वो यांग स्टोन की खान थी। लिन जेन तियान कहते हैं कि भगवान वास्तव में हमारे साथ है। लिन डोंग अब अपने रूम में आ जाता है, जहाँ वो टेलिस्मैन स्टोन की मदद से उस यांग गुआंग स्टोन को रिफाइन करता है, जिससे वो पिल में बदल जाते हैं। डोंग देखता है कि ये पिल बहुत ज्यादा प्योर है, इन पिल की मदद से मैं जल्दी अमीर बन जाऊंगा। डोंग अब बाहर आ जाता है, जहाँ किंग टेन जियोयान को मेडिसिन पिलाने की कोशिश कर रही थी पर वो उसे नहीं पी रहा था। डोंग किंग टेन से कहता है कि तुम इसका बहुत ख्याल रखती हो, इसीलिए ये तुम्हें बहुत तंग करने लगा है। किंग टेन उसे कहती है कि पिता का घाव अभी भी ठीक नहीं हुआ है। डोंग कहता है कि तुम चिंता मत करो, जल्दी मैं यांग युआन पत्थरों को बेचने के लिए यहाँ शहर जाऊंगा। पैसे मिलने के बाद मैं उनसे कोई हाई लेवल मेडिसिन खरीदूंगा, जिससे पिताजी पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। फिर हम देखते हैं कि लिन फैमिली यिन यांग स्टोन को बेचने के लिए यांग सिटी आ जाते हैं। तभी हम ले बाओ के एक गुप्तचर को देखते हैं जो उन पर नजर रख रहा था। वहीं फिर हमें ले फैमिली का सीन दिखाया जाता है। ले बाओ को उसके गुप्तचर का मैसेज मिलता है, जिससे उसे पता चलता है कि लिन फैमिली शहर में पिल बेचने गए हैं। वहीं लिन डोंग बाजार में सामान खरीदने के लिए आ गया था। लिन डोंग को मैजिकल ऑब्जेक्ट की एक बिल्डिंग दिखाई देती है जो काफी बड़ी और खूबसूरत थी। लिन डोंग उसके अंदर आ जाता है, जहाँ वो देखता है कि वहाँ बहुत सी कीमती चीजें बेची जा रही थी। लिन डोंग को वहाँ ब्लैक आयरन सोर्ड दिखाई देती है, जो लोहे को भी मिट्टी की तरह काट सकती थी, पर लिन डोंग उसे नहीं खरीदता और आगे आ जाता है। अब वो सारी कीमती चीजों को देखने लगता है। वहाँ मेंटल पावर के ग्रैंड मास्टर यान भी मौजूद होते हैं। वो जब लिन डोंग की पावर चेक करते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि उसके पास मेंटल एनर्जी का ग्रेट टैलेंट है। लिन डोंग को पास की शॉप पर एक बैग दिखाई देता है। लिन डोंग उस बैग को छूने लगता है पर शॉप कीपर आकर उसे रोक देता है, क्योंकि लिन डोंग की हालत देखकर उसे लग नहीं रहा था कि वो इसे खरीद पाएंगे। लिन डोंग शॉप कीपर से कहता है कि क्या ये बैग बेचने के लिए नहीं है, तो बताता है कि एक कियान कुन बैग है, जिसे सेकंड लेवल के एंचेंटमेंट मास्टर के द्वारा बनाया गया था, इसीलिए यह बहुत कीमती है, तुम इसे खरीद नहीं पाओगे। लिन डोंग उससे बैग की प्राइस पूछता है तो शॉप कीपर बताता है कि मैं तुम्हें इसे 48 यांग गुआंग स्टोन के बदले में दे सकता हूँ। लिन डोंग कहता है कि मेरे पास यांग गुआंग स्टोन नहीं है, लेकिन मेरे पास कुछ यांग युआन पिल है। वो पिल बहुत कीमती थी, जिन्हें देखकर शॉपकीपर हैरान रह जाता है। लिन डोंग अब उस बैग के बदले में उसे वो पिल दे देता है। शॉपकीपर उसे बताता है कि इस कियान कुन बैग को कियान कुन वुड से बनाया गया था। दिखने में यह बैग छोटा लगता है पर इसके अंदर समुद्र जितने सामान को तुम स्टोर कर सकते हो, साथ ही तुम इस बैग की मदद से बहुत सारे ट्रबल से भी बच जाओगे। अब वो बैग लेकर आगे बढ़ता है, तभी लिन डोंग के हाथ में मौजूद स्टोन ग्लो करने लगता है। वो स्टोन एक लकड़ी की तरफ इशारा कर रहा था। दुकानदार लिन डोंग से पूछता है कि क्या तुम्हें पुरानी लकड़ी पसंद आई। लिन डोंग पूछता है कि क्या
क्या चीज है। दुकानदार बताता है कि मैं भी इस लकड़ी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता। सालों पहले जब मैं एक विदेशी व्यापारी से मिला तब मैंने इसे उसे खरीदा था, इसीलिए मैं नहीं जानता कि ये कौन से पेड़ का हिस्सा है और इसका यूज क्या है। आज ये लकड़ी का टुकड़ा एक यंग लेडी को भी पसंद आया था, पर अगर तुम इसकी उच्च कीमत चुकाते हो तो तुम इसे खरीद सकते हो। मैं तुम्हें इसे 20 यांग युआन पिल में बेच दूंगा। तो उसे यांग गुआंग पिल देने लगता है, पर वहाँ वो यंग लेडी दो सैनिकों के साथ आ जाती है। उसका नाम जियो होता है। सैनिक लिन डोंग से कहते हैं कि वुड पीस हमारी लेडी को पसंद है। दुकानदार बोलता है कि इस लड़के ने इस वुड पीस की ज्यादा कीमत चुकाई है। जियो कहती है कि इस लकड़ी के टुकड़े को सबसे पहले मैंने देखा था। इस शहर के अंदर जो भी चीज मुझे पसंद आती है मैं उसे हासिल करके रहती हूँ और इसे कोई मुझसे छीन नहीं सकता। लिन डोंग कहता है कि जो पहले भुगतान करता है वही चीजों को खरीद सकता है। तुम मेरे साथ चीट करने की कोशिश मत करो। सैनिक लिन डोंग पर तलवार पॉइंट कर देते हैं, पर तभी वो शॉट उड़कर ऊपर एक पिलर के लग जाती है। जियो समझ जाती है कि यह सब कोई मेंटल पावर की मदद से कर रहा है। तभी वहाँ उसे ग्रैंड मास्टर यान दिखाई देते हैं जो उसके मास्टर थे। उन्हें देखकर वो खुश होती है। ग्रैंड मास्टर से कहते हैं कि तुम इस लड़के को परेशान मत करो, तो उसे छोड़ देती है। पर वो मास्टर से कहती है कि आप इस बात को सीक्रेट रखना, और वहाँ से चली जाती है। लिन डोंग मदद करने के लिए ग्रैंड मास्टर को थैंक्स कहता है। ग्रैंड मास्टर उसे अपनी मेंटल पावर का इस्तेमाल करके दिखाते हैं जिससे वो शॉट को मूव कर रहे थे। वो लिन डोंग से कहते हैं कि क्या तुम जानते हो कि मास्टर ऑफ एंचेंटमेंट किसे कहते हैं। लिन डोंग कहता है कि मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। तो ग्रैंड मास्टर उसे बताते हैं कि एंचेंटमेंट मास्टर का कल्चर मार्शल आर्ट से बहुत डिफरेंट है। इसमें किसी भी चीज को कंट्रोल करने के लिए मेंटल स्ट्रेंथ की आवश्यकता होती है। क्या तुम इसे सीखने के लिए मेरे शिष्य बनना चाहोगे। लिन डोंग इससे खुश हो जाता है, पर वो सोचता है कि अगर मैं इनसे ट्रेनिंग लूंगा तो इन्हें मेरे टेलिस्मैन स्टोन के बारे में पता चल जाएगा जिससे मैं आगे चलकर मुसीबत में पड़ सकता हूँ। इसीलिए वो ग्रैंड मास्टर से कहता है कि मेरे पास बहुत कम पावर है, इसीलिए मैं एंचेंटमेंट मास्टर नहीं बन पाऊंगा, इसीलिए मुझे माफ करे। ग्रैंड मास्टर हंसते हुए कहते हैं कि जैसी तुम्हारी मर्जी, अगर फ्यूचर में तुम्हारा मूड बदले तो तुम मुझे ढूंढने आ सकते हो। लिन डोंग उन्हें थैंक्स कहता है और वहाँ से जाने लगता है। पर ग्रैंड मास्टर उसे एंचेंटमेंट पावर की एक बुक देते हैं ताकि उसके बारे में ज्यादा जान सके। वही हम लिन जेन तियान को देखते हैं जो अपने गांव वापस जाने की तैयारी कर रहे थे क्योंकि उन्होंने सारी यांग युआन पिल को भेज दिया था और उनके बदले में उन्होंने जरूरी चीजों को खरीदा था। तभी लिन शान तेजी से वहां आता है। सभी उसे घबराए देखकर परेशान हो जाते हैं। लिन शान उन्हें कहता है कि ब्लैक ड्रैगन कबीले के लोगों ने हमारे गांव को घेर लिया है, अंकल उनसे निपट रहे हैं, इसीलिए मैं जल्दी से चेतावनी देने के लिए यहां आ गया। लिन जेन तियान कहते हैं कि हमने ब्लैक ड्रैगन कबीले के साथ कभी कोई समस्या पैदा नहीं की, पर शायद वो ले फैमिली की वजह से हम पर हमला कर रहे हो। और वो लिन शान से कहते हैं कि तुम यही आराम करो और लिन डोंग के यहाँ आने पर वापस आ जाना। और लिन जियो को अपने परिवार की रक्षा करने के लिए चलने को कहते हैं। वहीं हम लिन डोंग को देखते हैं जो अभी भी बाजार में घूम रहा था। तभी उसे लिन फैमिली का सर्वेंट आकर बताता है कि ब्लैक ड्रैगन कबीले ने हमारी फैमिली पर हमला कर दिया है, इसीलिए बाकी सब वहाँ से जाने के लिए निकल चुके हैं, आपको भी जल्दी वापस चलना चाहिए। लिन डोंग कहता है कि स्टीलवुड मैनर को अभी कौन प्रोटेक्ट कर रहा है। तो बताता है कि मैं वहाँ के बारे में कुछ नहीं जानता। लिन डोंग समझ जाता है कि ब्लैक ड्रैगन कबीले ने स्टीलवुड मैनर पर भी हमला किया होगा और वो अभी किंग टेन और जियो यान भी स्टीलवुड मैनर में थे। लिन डोंग को उनकी बहुत फिक्र होती है, इसीलिए वहाँ से जाने के लिए निकल जाते हैं। वही हम स्टीलवुड मैनर का सीन देखते हैं जहाँ वू शान ने अपने साथियों के साथ हमला कर दिया था और लिन फैमिली के बहुत से सैनिकों को मार डाला था। वो शान ब्लैक ड्रैगन कबीले का दूसरा बॉस था। किंग टेन अभी भी बचे हुए सैनिकों और जियो यान के साथ स्टीलवुड मैनर को प्रोटेक्ट करने में लगी हुई थी और वो शाह के सैनिकों को मार रहे थे। वो शाह कल्टिवेशन के हेवनली युआन स्टेज में था, इसीलिए जियो यान पर हमला करके उसे दूर गिरा देता है और लिन फैमिली के सैनिकों को मारते हुए आगे बढ़ने लगता है। पर तभी लिन डोंग वहां जाता है जो उस पर हमला करके उसे रोक देता है और कहता है कि लिन फैमिली पर हमला करने के लिए ब्लैक ड्रैगन कबीले ने काफी अच्छी योजना बनाई है। तुम दो भागों में विभाजित हो गए ताकि तुम स्टीलवुड मैनर को प्राप्त कर सको। किंग टेन लिन डोंग को देखकर खुश होती है, पर उसे कहती है कि तुम अकेले क्यों आए हो। लिन डोंग उसे बताता है कि दादाजी और पिताजी घर को बचाने गए हैं, पर तुम चिंता मत करो, मैं उसे जीत सकता हूँ। वो शांत हुए कहता है कि लिन डोंग मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है, पर आज मैं तुम्हें मार दूंगा। लिन डोंग उसे कहता है कि हमने कभी ब्लैक ड्रैगन कबीले पर हमला नहीं किया तो तुम हमें परेशान क्यों कर रहे हो। वो शांत कहता है कि यह सब यांग गुआंग स्टोन माइन की वजह से है, हम उसे हासिल करना चाहते हैं। लिन डोंग
कहता है कि तुम मुझे मूर्ख मत समझो, मैं जानता हूँ कि ले फैमिली ने तुम्हें यहाँ भेजा है। वो शाह उस पर तेजी से हमला करने आता है और तेजी से पंच मारता है। लिनडोंग उसके हमले को देखकर समझ जाता है कि वो हेवनली युआन स्टेज पर है। लिनडोंग अभी सिर्फ अर्थली युआन स्टेज पर था, इसीलिए उसके हमले से दूर चला जाता है। वो शाह उसे मारने के लिए वापस उस पर हमला करता है, इससे लिनडोंग दीवार में जाकर टकरा जाता है, पर वो अभी भी जिंदा था। इससे वो शाह हैरान होता है। लिनडोंग किंग टेन से कहता है कि तुम हाउस हेल्पर के साथ दरवाजे की देखभाल करो, मैं इसे संभाल लूंगा। और जोयान को भी किंग टेन की मदद करने को कहता है। वो सभी वो शाह के आदमी को रोकने लगते हैं और उन्हें मारने की कोशिश करते हैं। वो शाह देखता है कि लिनडोंग अभी अर्थली युआन स्टेज में है, अगर वो ऐसे आगे बढ़ता रहा तो एक दो साल में हेवनली युआन स्टेज में पहुंच जाएगा, इसलिए इस लड़के के खतरा बनने से पहले ही मुझे इसे खत्म करना होगा। और वो अपनी पावर को एक्टिवेट करके कहता है कि आज तक मैंने कई लोगों को मारा है, पर आज मैं तुम जैसे जीनियस को मारूंगा। और उस पर लगातार हमला करने लगता है। वो शाह अपनी पावर से खुद को प्रोटेक्ट करता है, पर कुछ ही देर में उसकी पावर खत्म हो जाती है। पर वो यांग युआन पिल की मदद से पावर को रिकवर कर लेता है, पर अब उसके पास यांग गुआंग पिल नहीं बची थी, इसीलिए वो वंडर सील को एक्टिवेट करता है। पर उसके फर्स्ट स्टेज के हमले से वो शाह को कुछ नहीं होता, इसीलिए लिनडोंग उस पर सेकंड और थर्ड स्टेज वंडर सील से हमला करता है, जिससे वो दूर जाकर टकराता है। पर इससे लिनडोंग भी घायल होकर दूर गिर गया था। किंग टेन और जियो यान ये देखकर जल्दी से लिनडोंग के पास आते हैं। वो शाह अभी भी ठीक था, इसीलिए वो वापस से अपने पावर को एक्टिवेट करने लगता है, पर उसकी शक्ति खत्म हो चुकी थी। जियो यान उस पर हमला करता है, पर उसे दूर फेंक देता है। तभी वहाँ किंग टेन भी अपने भाई के पास आ जाती है। लिनडोंग होश में आ जाता है और वो कहता है कि मैं वो शाह से जीत नहीं सकता, पर तभी यांग एनर्जी उसकी बॉडी में एंटर करने लगती है। यह देखकर वो शाह समझ जाता है कि वो प्रमोट होने वाला है। वो शाह के बाकी साथी भी वहाँ जाते हैं। वो शाह सभी से कहता है कि हेवनली युआन स्टेज में प्रमोट होने वाला है, इसीलिए ये इस प्रोसेस के वक्त सबसे कमजोर होगा। तुम सभी में से जो भी लिनडोंग को मारेगा वो ब्लैक ड्रैगन का तीसरा बॉस होगा। लिनडोंग कल्टिवेशन करने बैठ जाता है। वो किंग टेन और जियो यान से कहता है कि कुछ देर तुम उनका ध्यान भटकाओ। वो शाह के साथी जियो यान को मारने के लिए आगे आते हैं, पर किंग टेन जियो यान के साथ मिलकर उन्हें डिफीट करने लगती है। यह देखकर वो शाह गुस्सा आता है। वो किंग टेन पर और जियो यान पर हमला करके दूर गिरा देता है। अब वो शाह का एक आदमी लिनडोंग को मारने के लिए आगे बढ़ता है और उसके सीने में खंजर घोंप देता है। इससे किंग टेन डर जाती है, पर तभी लिनडोंग की बॉडी से एनर्जी निकलती है क्योंकि वो प्रमोट हो चुका था, जिससे आदमी दूर जाकर गिरता है। लिनडोंग की बॉडी वापस से हिल हो जाती है। किंग टेन को घायल देखकर उसे गुस्सा आता है। अब लिनडोंग वो शाह से ज्यादा पावरफुल हो चुका था, इसीलिए वो शाह पर हमला करता है। वो शाह उसका हमला सहन नहीं कर पाता और मारा जाता है। फिर हम ले फैमिली का सीन देखते हैं, जहाँ ले ली अपने दादा को बताता है कि वो शाह मर चुका है। इससे ले बाओ हैरान हुआ पूछता है कि उसे किसने मारा। लिन फैमिली के सभी लोग घर पर थे। ले ली कहता है कि अकेले लिनडोंग ने उसे मार दिया। ले बाओ को इस बात पर विश्वास नहीं होता। जिया क्यून कहता है कि लड़का हमारे लिए प्रॉब्लम बनता जा रहा है, इसीलिए हमें जल्दी इसे खत्म करना होगा। ले बाओ कहता है कि लिन फैमिली को खत्म करने का अब वक्त आ चुका है। फिर अब हम ले फैमिली का सीन देखते हैं, जहाँ ले ली जिया क्यून को बताता है कि मैंने लिन जेन तियान को जान में फंसाने के लिए उसे घर पर इनवाइट किया, अगर वो यहाँ आने की हिम्मत करेगा तो वापस नहीं जा पाएगा। जिया क्यून कहता है कि लिन जेन तियान बेवकूफ नहीं है, अगर वो हम पर भारी पड़ा तो हम क्या करेंगे। ले बाओ कहता है कि तुम चिंता मत करो, सब कुछ प्लान के हिसाब से ही होगा, और मैंने बैकअप के तौर पर एक प्रोफेशनल को भी बुला लिया है जो मेंटल पावर का मास्टर था। वहीं हम लिनडोंग को देखते हैं, जो ग्रैंड मास्टर यान की दी हुई एंचेंटमेंट बुक को पढ़ रहा था, जिससे वो एंचेंटमेंट को कास्ट करने में कामयाब हो जाता है और वो रैंक 1 का सील सिंबल मास्टर बन जाता है। लिनडोंग इसे खुश होता है और अब वो अपनी मेंटल पावर से स्पीड युआन शटल बनाने लगता है और अपनी स्पिरिचुअल बॉडी को भी बाहर निकाल लेता है। लिनडोंग कहता है कि मास्टर यान की दी हुई बुक वास्तव में अमेजिंग है, मैंने इसका कुछ दिनों तक अभ्यास किया और मैं सील सिंबल मास्टर की फर्स्ट रैंक पर पहुंच गया और अब मैं इन स्पीड युआन शटल को कंट्रोल कर सकता हूँ। अब उनकी प्रैक्टिस करने लगता है और कहता है कि अगली बार जब मैं ग्रैंड मास्टर यान से मिलूंगा तो मैं उन्हें थैंक्स जरूर कहूंगा। और वो वापस अपनी बॉडी में आ जाता है। अब वो अपनी बाजार से खरीदी हुई वुड प्लेट को बाहर निकालता है, जिस पर कुछ सिंबल बने हुए थे। वो समझ जाता है कि वुड प्लेट में मेंटल पावर है और वो अपनी मेंटल पावर से उन सिंबल को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है, पर इसमें कामयाब नहीं होता क्योंकि उस वुड प्लेट पर एक मेंटल पावर बैरियर था। तभी उसे एनर्जी की एक ग्रेट
इंद्रियों का एहसास होता है, इसीलिए अपनी स्पिरिचुअल बॉडी को बाहर निकाल कर उसे देखने जाता है। पता चलता है कि उसके ग्रैंडफादर प्रमोट होने वाले थे, इसीलिए वहाँ पहुँच जाता है। लिन जेन प्रमोट हो चुके थे और अब उनका लेवल युआन डेन के 4 स्टार पर पहुँच गया था। उन्हें वहाँ किसी स्पिरिचुअल बॉडी का एहसास होता है, इसीलिए वो कहते हैं कि यहाँ कौन जासूसी कर रहा है। लिन डोंग जल्दी से अपनी बॉडी में आ जाता है और भागकर अपने ग्रैंडफादर के पास जाने लगता है। लिन जियो और लिन के भी वहाँ मौजूद थे। लिन जियो अपने पिता को बधाई देता है कि अब हमारी लिन फैमिली में युआन डेन का एक वॉरियर है, इसीलिए अब हमें ले और जिए फैमिली से डरने की कोई जरूरत नहीं होगी। लिन डोंग भी वहाँ आकर अपने ग्रैंडफादर को बधाई देता है। लिन जेन तियान कहते हैं कि अभी भी मैं युआन डेन के इनिशियल स्टेज पर हूँ। लिन डोंग पूछता है कि युआन डेन का इनिशियल स्टेज क्या है, तो ग्रैंडफादर बताते हैं कि युआन डेन को 2 भागों में विभाजित किया गया है, एक एवरेज और दूसरा कम्प्लीट युआन डेन है। एक वॉरियर के लिए इनिशियल स्टेज में पहुँचना कल्टिवेशन की शुरुआत होती है और इससे हम सीख पाएंगे कि यंग और यांग एनर्जी को कैसे कंट्रोल करना है, जिससे हम आगे की स्टेज में प्रमोट हो सकते हैं। युआन डेन के बाद क्रिएशन स्टेज आती है, जिसमें 3 लेवल होती है और इन्हें पार करना बहुत डिफिकल्ट होता है। साथ ही वो ये भी बताते हैं कि कल्टिवेशन की एक और ब्रांच होती है, जिसे मेंटल पावर कहा जाता है। और अभी जब मैं प्रमोट हुआ तो मुझे मेंटल पावर के किसी सिंबल मास्टर का एहसास हुआ। वो मुझसे बहुत दूर था, इसीलिए मैं उसके पावर का अच्छे से अंदाजा नहीं लगा सका, पर वो मजबूत था और वो रैंक 1 या फिर 2 का सिंबल मास्टर होना चाहिए। लिन डोंग उन्हें नहीं बताता कि वो एंचेंटमेंट मास्टर है। लिन जियो कहते हैं कि हमारे किंग यान विलेज में ऐसा प्रोफेशनल व्यक्ति कैसे छिपा हो सकता है। तभी वहाँ लिन मेंग भी आ जाता है, जो अपने डेड को प्रमोट होने के लिए बधाई देता है। लिन जेन तियान उसे कहते हैं कि तुम मेरी रक्षा करने के लिए यहाँ नहीं थे, तुम कहाँ गए थे। लिन मेंग बताता है कि हमें ले फैमिली ने एक इन्विटेशन भेजा था। वो कहता है कि वो हमें डिनर पर इनवाइट करना चाहते हैं, ताकि वो स्टीलवुड मैनर को डिस्ट्रॉय करने की माफी मांग सके। लिन जियो कहता है कि ये ले फैमिली की कोई चाल है, वो कभी भी माफी नहीं मांगते। लिन मेंग कहता है कि भले ये चाल हो, पर हम उससे नहीं डरते। अब पिताजी पहले ही युआन डेज की इनिशियल स्टेज पर पहुंच चुके हैं, इसीलिए हमें उनसे डरने की कोई जरूरत नहीं होगी। लिन जेन तियान अपने बेटे लिन जियो से पूछते हैं कि तुम्हारी पावर अब कैसी है, तो बताते हैं कि किंग टेन की मेडिसिन की वजह से मैं अब सही हो रहा हूँ और मैं वापस सेवनली युआन स्टेज पर पहुंच चुका हूँ। तो लिन जेन तियान कहते हैं कि हमें ब्लैक डोजो फैमिली के हेड लुओ चेंग के साथ वहाँ जाना होगा। वो अगले दिन लुओ चेंग और अपने बेटों के साथ ले फैमिली में पहुंच जाते हैं। ले बाव दिखावा करते हुए उन्हें कहता है कि आज मैंने अपनी सारी गलतफहमियां दूर करने के लिए तुम्हें यहाँ इन्वाइट किया है, और उन्हें डिनर के लिए अंदर चलने को कहता है। लिन जियो और लिन के भी अंदर जाने लगते हैं, पर गार्ड उन्हें अंदर जाने नहीं देते। लिन डोंग भी वहाँ वो यून के साथ आया था। लिन डोंग अपनी मेंटल पावर को एक्टिवेट करता है, जिससे उसे पता चलता है कि यहाँ भी कोई मेंटल मास्टर मौजूद है। वही महल के अंदर जिए क्यूएन सभी को बताता है कि अगर हम एकजुट हो जाए तो फिर हमें किसी से भी डरने की कोई जरूरत नहीं होगी। अगर हम आपस में लड़ते रहेंगे तो सब कुछ खो देंगे। तो लुओ चेन पूछते हैं कि हमारे इस अलायंस का लीडर कौन होगा। ले बाओ कहता है कि मुझसे बेहतर ये जिम्मेदारियां कौन उठा पाएगा। लुओ चेन कहता है कि तुम मेरी और लिन फैमिली को अपना गुलाम बनाना चाहते हो, और वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। ले बाओ कहता है कि अगर तुम मेरे साथ अलायंस नहीं बनाओगे तो तुम्हारे गाँव को भी खत्म कर दिया जाएगा, और अपनी पावर को एक्टिवेट करता है, क्योंकि वो भी युआन डेन के इनिशियल स्टेज पर पहुंच चुका था। वो कहता है कि मैं सबसे पावरफुल हूँ, इसलिए मैं ही तुम सबका लीडर बनने की योग्य हूँ। लिन जेन तियान कहते हैं कि हमारा परिवार कब से तुम्हारे हमलों को झेल रहा है, पर अब हम और नहीं सह सकते, और तुम्हें जो चाहिए वो कभी नहीं मिलेगा। वो भी अपनी पावर को एक्टिवेट करते हैं। लुओ चेंग और बाकी सभी से हैरान होते हैं कि लिन जेन तियान भी युआन डेन स्टेज में पहुंच चुके हैं। अब वो फाइट करने लग जाते हैं। लुओ चेंग जिए क्यून पर हमला करके उसे बाहर फेंक देता है। लिन जेन तियान भी ले बाओ से लड़ते हुए बाहर आ जाते हैं। लुओ चेंग जिए क्यून को मारने लगता है, पर तभी वहाँ वो सीक्रेट पर्सन आ जाता है, जिसे ले बाओ ने मदद के लिए बुलाया था, जो ब्लड क्लो सेक्ट का वाइस पेट्रिक आर्क और रैंक 2 सील सिंबल मास्टर था। उसका नाम गुइन होता है। जिए क्यून उसे अपनी जान बचाने के लिए थैंक्स कहता है। लिन जेन तियान को लगता है कि वही कल रात उनके गाँव में गुस्सा होगा, इसीलिए उसे कहते हैं कि कल तुमने हमारी जासूसी की और अब ले फैमिली का लड़ाई में साथ दे रहे हो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ब्लड क्लो सेक्ट इतने नीच तरीके से काम करता होगा। गुइन कहता है कि जासूसी करना मेरी आदत नहीं है, मैं बस लड़ाई में ले बाओ का साथ देने आया हूँ, क्योंकि इसने मुझसे वादा किया है कि तुम्हें हराने के बाद स्टीलवुड मैनर के प्रॉफिट में से यह
मुझे 60% का हिस्सा देगा। लिन जेंतियान कहता है कि स्टीलवुड मैनर इनका नहीं है, ऑफिशियली हम उसे जीत चुके हैं। तो कहता है कि अगर तुम लोग ही मुझे स्टीलवुड मैनर दे दो तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। लिन जेंतियान कहते हैं कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतने इंसोलेंट यानी ढीठ होगे। गुइन को इससे गुस्सा आ जाता है और अपनी मेंटल पावर से सभी पर प्रेशर डालने लगता है जिससे वो हिल नहीं पाते, पर लिन जेंतियान उसके मेंटल पावर प्रेशर से बाहर निकल आते हैं और उसे फाइट करने लगते हैं, पर वो जीत नहीं पाते। लिन जियो और लिन के भी उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं, पर उन्हें अपनी मेंटल पावर से ही दूर फेंक देता है। लिन डोंग अपने पिता को संभालता है। गुइन लिन जेंतियान के पास आकर कहता है कि युआन 10 स्टेज की पावर केवल रैंक 1 के सील सिंबल मास्टर के बराबर है, इसीलिए मेरे सामने तुम सिवे कचरा हो, और वो शटल से उन्हें मारने लगता है। पर तभी लिन डोंग वहां आकर अपने ग्रैंडफादर को बचा लेता है और शटल को एक्टिवेट करके कहता है कि सिर्फ तुम ही अकेले यहां सील सिंबल मास्टर नहीं हो, और उसे मारने की कोशिश करता है, पर उसे वे क्लोन था। लिन जेंतियान इससे हैरान होता है कि लिन डोंग एक मेंटल मास्टर है, पर उन्हें अपनी आंखों पर खुद ही विश्वास नहीं होता, और उसे पूछते है कि तुम कब से मेंटल पावर को विकसित करने में लगे हुए थे। लिन डोंग कहता है कि अभी इन बातों का वक्त नहीं है, हमें गुई इनकी रियल बॉडी को ढूंढना होगा। पर गुई खुद ही सामने आ जाता है और कहता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि यांग गांव में एक सील सिंबल मास्टर होगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। लिन डोंग उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और अपने दादा को सभी का ख्याल रखने को कहता है। गुइन उसे कहता है कि तुम्हें बहुत कॉन्फिडेंस है, पर तुम केवल रैंक 1 के सिंबल मास्टर हो, इसीलिए तुम मेरा मुकाबला नहीं कर पाओगे। मैं आज तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, वरना फ्यूचर में तुम मेरे लिए प्रॉब्लम बन सकते हो, और उससे फाइट करने लग जाता है। पर लिन डोंग भी कम नहीं था, वो उसे कड़ी टक्कर देने लगता है। वो अपने शटल से उस पर हमला करता है। लिन डोंग को खुद भी अपनी पावर पर विश्वास नहीं होता, अब वो ऐसे ही उससे फाइट करते रहता है। लिन जेंतियान देखते हैं कि लिन डोंग की मेंटल पावर भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, और वो समझ जाते हैं कि वो जासूसी करने वाला और कोई नहीं बल्कि लिन डोंग ही होगा। गुइन लिन डोंग से कहता है कि तुम्हारे पास ग्रेट मेंटल पावर है, पर तुम्हें इसे अच्छे से इस्तेमाल करना नहीं आता। लिन डोंग उस पर हमला करता है। गुइन इससे बच जाता है, पर उसके कुछ हेयर कट गए थे, इससे उसे गुस्सा आ जाता है और अपनी स्पेशल बॉडी को बाहर निकाल लेता है। लिन डोंग भी अपनी स्पेशल बॉडी को बाहर निकाल कर उससे फाइट करने लगता है, पर वो दोनों एक दूसरे से नहीं जीत पाते और वापस अपनी बॉडी में आ जाते हैं। गुइन देखता है कि लिन डोंग की टेक्निक में बहुत जल्दी इम्प्रूवमेंट हो रहा है। वास्तव में इस लड़के की मेंटल पावर सिंबल मास्टर रैंक 1 से ज्यादा होनी चाहिए, मुझे इसे कुछ भी करके खत्म करना होगा। और वो अपनी मेंटल पावर को फिजिकल में बदलकर एक स्पीड नीडल तैयार करता है। लिन डोंग उसे रोकने के लिए उस पर अपने शोल्डर से हमला करता है, पर वो स्पीड नीडल बहुत पावरफुल थी, इसलिए वो लिन डोंग के सभी वार को डिफीट करती हुई उसके गाल पर एक स्कार कर देती है। लिन डोंग को कुछ समझ नहीं आता, वो कहता है कि स्पीड नीडल मेरे मेंटल बैरियर को आसानी से तोड़ सकती है। गुइन उस पर वापस से हमला करता है। लिन डोंग अपने शटल से उस स्पीड नीडल को रोकने की बहुत कोशिश करता है, पर वो नहीं रुकती। लिन डोंग को तभी मेंटल बैरियर से उस वुड प्लेट की याद आती है जिस पर भी एक मेंटल बैरियर लगा हुआ था, इसीलिए उस वुड प्लेट को आगे कर देता है जिससे वो स्पीड नीडल भी टूट जाती है। गुइन इससे हैरान होता हुआ कहता है कि आज तक मैंने बहुत से सिंबल मास्टर को देखा है, पर तुम्हारे जैसे रैंक 1 के सिंबल मास्टर को नहीं देखा। अगर आज मैं रैंक 2 पर होने के बाद भी तुम्हें खत्म नहीं कर पाया तो मैं खुद को ही माफ नहीं कर पाऊंगा। और वो स्पीड नीडल से वापस उस पर हमला करता है जिसमें वो अपने रैंक 2 सिंबल का भी इस्तेमाल करता है, यानी उसने अपने न्यूआन पैलेस को बाहर निकाल दिया था जिसमें उसकी पूरी मेंटल पावर स्टोर थी। वो वुड प्लेट उसके हमले को रोक रही थी। लिन डोंग भी पूरी हिम्मत से उसके हमले को रोक रहा था, तभी वो वुड प्लेट का बैरियर टूट जाता है और गुइन की सारी पावर को अपने अंदर खींच लेता है और उसे लिन डोंग में ट्रांसफर कर देता है, जिससे लिन डोंग की पावर बहुत बढ़ जाती है। गुइन इससे हैरान रह जाता है। लिन डोंग हंसते हुए कहता है कि अब तुम्हारी पूरी पावर को मेरे द्वारा जो कर लिया गया है। युइंग उसे कहता है कि तुमने ये कल्टीवेशन मेथड कहाँ से सीखा, तुम मुझे इसके बारे में बताओ, मैं तुम्हारी ले और जे फैमिली को नष्ट करने में मदद करूंगा। लिन डोंग कहता है कि अब तुम्हारी पावर खत्म हो चुकी है, इसलिए अब तुमसे डरने की मुझे कोई जरूरत नहीं, और उस पर हमला करता है। गुइंग उसके हमले को रोकने लगता है, पर लिन डोंग अब उसे आसानी से मार देता है। और अब लिन जेंतियान अपने बेटों के साथ ले बाओ और जे क्यून को घेर लेते हैं, अब उनके पास बचने का कोई तरीका नहीं था। लिन डोंग कहता है कि तुमने मेरी फैमिली को नष्ट करने की पूरी कोशिश की, अब इसका बदला खून से ही पूरा होगा। फिर
फिर अब हम देखते हैं कि लेह और जिया परिवार के हार जाने की वजह से लिन फैमिली ने अब लेह और जिया परिवार को भी अपने कब्जे में ले लिया था। पर लिन डोंग ने ब्लड क्लॉथ सेक्ट के वाइस प्रेटरी आ को मारा था, इसीलिए लिन फैमिली से बदला लेने जरूर आएंगे। लिन डोंग को भी यह बात पता थी, इसीलिए तेजी से ट्रेनिंग ले रहा था। वो अभी स्टोन की शेडो बॉडीज के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है, पर तभी वो शेडो बॉडी अचानक से गायब होने लगती है। लिन डोंग को कुछ समझ नहीं आता कि यह सब क्या हो रहा है। उसे लगता है कि जरूर स्टोन की पावर कम हो रही है। तभी हम देखते हैं कि लिन फैमिली के बाहर ब्लड क्लॉथ सेट का पेट्रियार्क वेई टोंग अपने सैनिकों के साथ आ गया था, क्योंकि अपने मेंटल मास्टर का बदला लेना चाहता था। वो लिन फैमिली के लोगों को बाहर बुलाता है। लिन जेन तियांग की पावर भी इससे कमजोर थी, इसीलिए उसे डरे हुए थे और वो सभी लोगों को जल्दी से वहाँ से निकलने को कहते हैं और खुद अपने बेटे लिन जियो के साथ बाहर आ जाते हैं और पेट्रियार्क वेई टोंग को प्रणाम करते हुए उससे पूछते हैं कि आप यहाँ क्यों आए हो। वेई टोंग कहता है कि तुम खुद को मूर्ख मत समझो, तुमने मेरे वाइस पेट्रियार्क गुयिन को मारा, क्या तुम लोगों को लगता है कि तुम हमसे बच जाओगे। लिन जेतियान कहते हैं कि उस दिन हमारे और ले फैमिली के बीच लड़ाई हो रही थी, पर आपके वाइस पेट्रियार्क ने हमारे मामले में दखल दिया। वेई टोंग कहता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ और मैं यहाँ तुम्हारी कहानियाँ सुनने नहीं आया। लिन जेतियान कहते हैं कि आप हमसे क्या चाहते हो। वेई टोंग कहता है कि तुम मुझे गुयिन का हत्यारा और स्टीलवुड मैनर सौंप दो और तुम्हारी फैमिली को ब्लड क्लॉथ सेट में शामिल होना होगा, जिससे ही तुम्हारी जान बच सकती है। लिन जेन तियान उसकी शर्तें मानने से मना कर देते हैं तो उन पर हमला करने आता है और वो भी अपनी पावर को एक्टिवेट करके उस पर हमला करने जाते हैं, पर वो कमजोर थे इसीलिए नीचे गिर जाते हैं। वेई टोंग उन्हें कहता है कि तुम अपनी इनिशियल युआन डेन स्टेज के साथ मुझ जैसे परफेक्ट युआन डेन स्टेज वाले आदमी का सामना करना चाहते हो। तभी वहाँ लिन डोंग भी जियोयान के साथ आ जाता है और कहता है कि तुमने गुयिन को मारा था, इसीलिए तुम मेरे ग्रैंडफादर को परेशान मत करो। लिन जियो अपने बेटे को कहते हैं कि मैंने तुम्हें बाकी लोगों के साथ जाने को कहा था, तुम वापस क्यों आ गए। लिन डोंग ने कहता है कि मैंने गुयिन को मारा था और अगर मेरी वजह से परिवार संकट में है तो मैं कैसे भाग सकता हूँ, और आप चिंता मत करो, मैं इतनी आसानी से नहीं मरूंगा। अब वो वेई टोंग के सामने आ जाता है। वेई टोंग कहता है कि तुमने गुयिन को मार दिया, इसीलिए तुम इतने ज्यादा एरोगेंट हो रहे हो। लिन डोंग कहता है कि मुझे आपकी पावर का अंदाजा है, अगर हमारी लड़ाई हुई तो मेरा परिवार नष्ट हो सकता है, पर आपके ब्लड क्लॉथ सेक्ट को भी इस लड़ाई की कीमत चुकानी होगी। वेई टोंग कहता है कि तुम मेरे सामने कुछ नहीं हो, इसीलिए सबसे पहले मैं तुम्हें खत्म करूंगा, और उस पर हमला करने आता है। पर लिन डोंग अपनी मेंटल पावर से शटल को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे वो बच जाता है। वेई टोंग इससे हैरान होता है कि लिन डोंग एक मेंटल मास्टर है। वो अपने साथियों से उस पर एरो से हमला करवाता है, पर लिन डोंग उसके सभी वार से बचता जाता है। यह देखकर वेई टोंग खुद उस पर हमला करने लगता है, पर लिन डोंग उसके सभी वार से बचता जा रहा था। वो वेई टोंग से कहता है कि आज तुम मुझे मार नहीं पाओगे, मैं तुम्हें एक चेतावनी देना चाहता हूँ कि अगर तुम्हारा ब्लड क्लॉथ सेक्ट मेरी लिन फैमिली को खत्म करना चाहता है, पर अगर मैं जिंदा बच गया तो मैं सीक्रेटली ट्रेनिंग लूंगा, जिससे तुम्हारा जीना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मैं कभी भी तुम्हें मार सकता हूँ। वेई टोंग कहता है कि क्या तुम मुझे धमका रहे हो। लिन डोंग कहता है कि मैं बस तुम्हारे साथ शर्त लगाना चाहता हूँ कि 3 महीने बाद हमारे बीच फाइट होगी, अगर तुम उसमें जीत गए तो मैं और पूरी लिन फैमिली तुम्हारे गुलाम रहेंगे, लेकिन अगर मैं जीत गया तो तुम्हें गुयिन की मौत के किस्से को बुलाना होगा। लिन जेतियान कहते हैं कि क्या लिन डोंग तुम मूर्ख हो, वेई टोंग परफेक्ट युआन डेन स्टेज पर है, जिसकी तुलना 3rd लेवल के सील सिंबल मास्टर से की जा सकती है, और अभी तुम केवल रैंक 1 पर हो, 3 महीने में तुम मुझसे कैसे लड़ सकते हो। वेई टोंग लिन डोंग से कहता है कि अगर मैं तुम्हें अभी मार सकता हूँ तो मैं 3 महीने का इंतजार क्यों करूंगा। लिन डोंग अपने फायर पाइथन को वेई टोंग के सैनिकों पर हमला करने भेजता है और खुद भी अपनी मेंटल पावर से उसके सैनिकों पर हमला करने लगता है। वेई टोंग उसे रोकने की कोशिश करता है, पर लिन डोंग अपने शटल को सैनिकों की गर्दन पर पॉइंट कर देता है और वेई टोंग से कहता है कि तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, पहला तुम मेरी शर्त स्वीकार कर लो और तुम्हें बिना खून बहाए स्टीलवुड मैनर मिल जाएगा, और दूसरा विकल्प कि तुम अभी अटैक करो, पर इससे तुम अपनी ताकत खो दोगे, अगर फिर भी मैं जिंदा बच गया तो तुम्हें अपने इस फैसले का बहुत पछतावा होगा। वेई टोंग उसकी शर्त स्वीकार कर लेता है, पर वो कहता है कि 3 महीने का समय बहुत ज्यादा है, इसीलिए मैं तुम्हें 2 महीने का समय दूंगा, 2 महीने के बाद यान सिटी के अरीना में हमारे बीच फाइट होगी, और इन 2 महीनों के अंदर तुम्हारी फैमिली इस यांग गांव को छोड़ नहीं सकती, मेरे स्काउट्स तुम पर हर वक्त नजर रखेंगे, साथ ही लिन डोंग अगर तुमने भाग
भागने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को मिटा दूंगा, ये कहकर वहाँ से चला जाता है। लिनडोंग कहता है कि मुझे 2 महीने में सेकंड सील सिंबल मास्टर की लेवल को हासिल करना होगा, वरना मेरी लिन फैमिली सीरियस ट्रबल में फंस जाएगी। वहीं वेटोंग के सैनिक अपने पेट्रियार्क से कहते हैं कि आपने उस लड़के की भेंट क्यों स्वीकार की, इससे हमें स्टीलवुड मैनर को हड़पने में वक्त लगेगा। वेटोंग कहता है कि अगर तुम घास को नष्ट करना चाहते हो तो तुम्हें इसे जड़ से उखाड़ना होगा, और मुझे लग रहा है कि वो लड़का भागने की कोशिश जरूर करेगा, और अगर वो नहीं भागा तो अखाड़े के अंदर मेरी पावर से जरूर मरेगा। वहीं लिनडोंग के पिता उसे कहते हैं कि तुम्हें बहुत कॉन्फिडेंस है, पर तुम 2 महीने के अंदर वेटोंग को हराने में कैसे सक्षम होगे। लिनडोंग कहता है क्या मुझ पर विश्वास रखे, मैं इन 2 महीने में बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा। लिन जेंटियान कहते हैं कि लिनडोंग तुम बहुत बुद्धिमान हो, जो ऐसी सिचुएशन को भी तुमने अच्छे से संभाला, पर अब पूरे परिवार की जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर है। लिनडोंग कहता है कि मुझे ट्रेनिंग लेने के लिए यान सिटी जाना होगा, इससे वो हैरान होते हैं। तो लिनडोंग कहता है कि वहाँ हाई क्लास की मेडिसिन और सीक्रेट स्किल्स है, इसीलिए मैं यान सिटी जाकर ही उन्हें हासिल कर सकता हूँ। लिन जेंटियान इसके लिए मान जाते हैं और कहते हैं कि मैं यान सिटी में ऐसे लोगों को जानता हूँ जो तुम्हारी वहाँ रक्षा करेंगे। लिनडोंग कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अकेले ही वहाँ चला जाऊंगा, अगर मैं ज्यादा लोगों के साथ जाऊंगा तो मुश्किलें हो सकती है, क्योंकि वेटोंग को लगेगा कि मैं भाग रहा हूँ। लिनडोंग सोचता है कि अभी स्टोन में भी प्रॉब्लम हो गई है, जिससे मैं उनकी हेल्प भी नहीं ले सकता, इसीलिए इन 2 महीनों में मुझे ही अपनी स्किल्स में इम्प्रूवमेंट करना होगा। अब अगले दिन लिनडोंग यान सिटी जाने के लिए निकलने लगता है, पर जियो यान और किंग टेन उसे जाने से रोक रहे थे। लिनडोंग उन्हें समझाता है कि मैं 2 महीनों में वापस लौट आऊंगा, साथ ही मैं तुम्हारे लिए खाने की नई चीजें भी लाऊंगा। किंग टेन कहती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस चाहती हूँ कि मेरा भाई शांति से वापस आ जाए। वो यून लिनडोंग को धक्का देता हुआ कहता है कि तुम चिंता मत करो, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, इससे कुछ नहीं होगा। तो दोनों हंसने लगते हैं और लिनडोंग वो यून से कहता है कि मेरे जाने के बाद तुम्हें किंग टेन और जियो यान की रक्षा करनी होगी। वो यून कहता है कि मैं 2 महीनों तक इन्हें प्रोटेक्ट करूंगा, पर तुम्हें 2 महीनों बाद वापस लौट कर आना होगा। लिन जेंटियान अब उसके पास आकर कहते हैं कि इस बैग में सैकड़ों यांग युआन पिल्स हैं, इन्हें तुम अपने साथ ले जाओ, क्योंकि इन यांग युआन पिल के बिना तुम वहाँ कुछ नहीं खरीद पाओगे। साथ ही उसे ये भी बताते हैं कि अगर तुम्हें कुछ प्रॉब्लम हो तो मैंने यांग सिटी में अपने कुछ आदमियों को काम पर लगाया है, तुम उनके पास जा सकते हो। साथ ही अगर तुम 2 महीनों बाद इतने पावरफुल नहीं हुए तो तुम भाग जाना, क्योंकि फ्यूचर में तुम्हारे पास बदला लेने का पूरा मौका होगा। लिन जियो अपने बेटे से कहते हैं कि तुम हमारी चिंता मत करना। लिनडोंग अपने घोड़े पर बैठकर अब यान सिटी की तरफ निकल जाता है। कुछ ही घंटों के सफर के बाद वो अब यान सिटी के बाजार में पहुंच जाता है। वहां उसे एहसास होता है कि वेटोंग के लोग उस पर नजर रखे हुए हैं। पास में ही कुछ लोग बातें कर रहे थे कि वान जीन यानी 1000 गोल्ड एसोसिएशन में आज बहुत ही कीमती चीजों का ऑक्शन होने वाला है। लिनडोंग उन लोगों के पास जाकर कहता है कि वान जीन ऑक्शन कहाँ होने वाला है, पर उन लोगों को लिनडोंग की हालत गरीबों के जैसी लगती है, इसीलिए वो सोचते हैं कि एक गरीब लड़का ऑक्शन में जाकर क्या करेगा, और वो हंसने लगते हैं। साथ ही बताते हैं कि ये ऑक्शन 3 बड़े परिवारों में से एक फैमिली द्वारा आयोजित किया जा रहा है, इसीलिए इसमें हर कोई प्रवेश नहीं कर सकता। तो उन दोनों को यांग ग्वांग पिल दिखाकर पूछता है कि मैं अपने लिए अच्छे कपड़े कहाँ से खरीद सकता हूँ। यांग युआन पिल को देखकर वो लोग हैरान होते हैं और उसे अमीरों के जैसे कपड़े देते हैं, और अब वो खुद उसे वान जिन ऑक्शन की तरफ लेकर जाने लगते हैं। फिर अब हम देखते हैं कि लिनडोंग यांग सिटी के 1000 गोल्ड एसोसिएशन में आ जाता है, जहाँ पर आज नीलामी होने वाली थी। लिनडोंग देखता है कि वहाँ ग्रैंड मास्टर यान मौजूद थे। लिनडोंग सोचता है कि मेरे पास ये कीमती स्टोन है, पर इसकी पावर अब कम होती जा रही है, इसीलिए अब मुझे और ज्यादा सावधान रहना होगा। तभी वहाँ ऑक्शन की मैनेजर जुआन सू आ जाती है, जिनके साथ जीयू भी थी, क्योंकि वो ग्रैंड मास्टर यान की स्टूडेंट होती है। जुआन सू ग्रैंड मास्टर यान को ऑक्शन में आने के लिए थैंक्स कहती है। अब ऑक्शनर आकर नीलामी को शुरू करता है। वो फर्स्ट ऑक्शन ऑब्जेक्ट को अब सबके सामने पेश करता है, जो ऑटम स्केल सोर्ड होती है। ऑक्शनर बताता है कि इस सोर्ड को ग्रैंड मास्टर यान ने बनाया है, जो बहुत फेमस है, साथ ही रैंक 4 के सील सिंबल मास्टर है। लिनडोंग इससे हैरान होता है कि मास्टर यान बहुत पावरफुल है। अब वहाँ बैठे सभी लोग उस सोर्ड की बोली लगाने लगते हैं। ऐसे ही नीलामी आगे चलती रहती है और एक के बाद अलग अलग ऑब्जेक्ट को सबके सामने पेश किया जाता है, पर लिनडोंग को अपने काम की वहाँ एक भी चीज नहीं मिलती। पर कुछ देर बाद वॉइड स्पीड ग्रास को पेश किया जाता है, जो ग्रेट
ग्रेड 5 का एक्सिलर था। ऑक्शनर बताता है कि एक्सिलर स्पिरिचुअल पावर के कल्टिवेशन में बहुत बड़ा योगदान दे सकता है और उसकी शुरुआती कीमत 200 यांग युआन पिल्स होती है। वहाँ बहुत से लोग उसकी बोली लगाने लगते हैं। सबसे ज्यादा बोली 450 यांग युआन पिल्स की लगती है। लिन डोंग भी उस एलिक्सर को खरीदना चाहता था, इसीलिए 600 यांग युआन पिल्स की बोली लगा देता है। सभी इससे हैरान रह जाते हैं। लिन डोंग सोचता है कि यह जगह वाकई पैसा खर्च करने की जगह है। यहाँ एक बार में ही इतनी सारी यांग युआन पिल चली गई। जी यू अपने मास्टर से कहती है कि इस लड़के ने स्पिरिचुअल पावर वाली मेडिसिन खरीदी। यह लड़का जरूर सिलसिमल मास्टर होगा। वो दोनों उसके नए कपड़ों की वजह से उसे पहचान नहीं पा रहे थे। मास्टर यान उसे अपनी मेंटल पावर से चेक करने लगते हैं। लिन डोंग को भी इसका पता चल जाता है, इसीलिए अपनी पावर को छिपाने लगता है। पर ग्रैंड मास्टर यान को पता चल जाता है कि वो वही लड़का है जो उन्हें बाजार में मिला था। इससे वो हैरान होते हैं क्योंकि वो अब एक ट्रू सील सिंबल मास्टर बन चुका था। जी यू भी उस लड़के को चेक करती है, जिससे उसे भी पता चल जाता है कि वही लड़का है जिसने उसका वुड पीस छीना था। मैनेजर सू उन दोनों से कहती है कि क्या आप इस लड़के को पहले से जानते हो। जियो कहती है कि वो लड़का बस एक किसान है। तो मास्टर यान कहते हैं कि वो लड़का 2 महीने पहले से बहुत अलग है, वो अब एक ट्रू सील सिंबल मास्टर बन चुका है। जियो से हैरान होती हुई कहती है कि इस लड़के ने निवान पैलेस का रास्ता कैसे खोल लिया। मास्टर यान कहते हैं कि कुछ महीने पहले तो इसे मेंटल हाउस की कोई नॉलेज नहीं थी, पर उसने मेरी बुक से प्रैक्टिस की होगी। मैनेजर सू कहती है कि यह लड़का वाकई काफी दिलचस्प है, इसका टैलेंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। मास्टर यान कहते हैं कि कुछ ही दिनों बाद सेलेस्टियल डेन पुल का बैटल होने वाला है, यह लड़का उस फाइट में हमारी मदद कर सकता है। ऑक्शन खत्म होने के बाद लिन डोंग वहाँ से जा रहा था, पर मैनेजर सू आकर उसे रोक देती है और कहती है कि तुम्हें जाने कितनी जल्दी क्यों है, ग्रैंड मास्टर यान तुम्हें इन्वाइट कर रहे हैं। लिन डोंग सोचता है कि मैं अब और जहाँ मास्टर यान से छिप नहीं सकता। मैनेजर सू उसे ऊपर कमरे में लेकर जाने लगती है, तभी वो देखती है कि 2 स्काउट उस पर नजर रखे हुए हैं। वो उन्हें कहती है कि क्या तुम भी हमारे साथ चलोगे, तो वहाँ से भाग जाते हैं। अब जुआन सू उसे लेकर ऊपर रूम में आ जाती है, जहाँ जियो भी मौजूद थी। लिन डोंग जुआन सू से पूछता है कि आप कौन हो। वो उसे बताती है कि मैं 1000 गोल्ड एसोसिएशन ऑक्शन की मैनेजर हूँ। लिन डोंग इससे हैरान होता है। जुआन कहती है कि क्या एक लड़की एसोसिएशन की मैनेजर नहीं हो सकती। लिन डोंग कहता है कि मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था, और उसे समझ आता है कि मैनेजर सू की वजह से ही ब्लड क्लोज सेक्ट के जासूस भाग गए थे। लिन डोंग उनसे पूछता है कि यान सिटी की 3 पावरफुल फैमिली कौन सी है। जियो कहती है कि तुम इतना भी नहीं जानते। तभी ग्रैंड मास्टर यान वहाँ जाते हैं, जो बताते हैं कि 3 ग्रेट फैमिली के नाम 1000 गोल्ड एसोसिएशन, ब्लड वुल्फ गैंग और यान सिटी लॉर्ड मैनर है। फिर वो लिन डोंग से कहते हैं कि तुम पहले ही रैंक 1 के सील सिंबल मास्टर बन चुके हो, अगर तुम्हें अपने डेस्टिनेसी सिंबल को रिफाइन करने में किसी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे बता सकते हो। लिन डोंग कहता है कि मैं आपके इरादे की सराहना करता हूँ, लेकिन डेस्टिनेसी सिंबल को मैंने पहले रिफाइन कर लिया है। इससे वो हैरान होते हैं, पर उन्हें लिन डोंग की बातों पर विश्वास नहीं होता। लिन डोंग उन्हें अपना डेस्टिनेसी सिंबल बताता है, उसे देखकर सभी दंग रह जाते हैं। मैनेजर सू कहती है कि ग्रैंड मास्टर यान आपकी आंखें वास्तव में बहुत दृष्टिक है, आपने सही कहा था कि लड़का बहुत होनार होगा। ग्रैंड मास्टर यान कहते हैं कि लिन डोंग मैंने तुम्हें कम आका, पहले जब तुम मिले थे तुम्हें मेंटल पावर की जरा सी भी नॉलेज नहीं थी, पर तुम कुछ ही महीनों में डेस्टिनी सिंबल को भी रिफाइन करने में सक्षम हो चुके हो। लिन डोंग कहता है कि ग्रैंड मास्टर ये सब आपकी उस बुक की वजह से हुआ, और उन्हें बुक के लिए थैंक्स कहता है। ग्रैंड मास्टर यान कहते हैं कि मैंने तुम्हें उस बुक के सिर्फ 3 पार्ट दिए थे, मुझे तुम्हारा टैलेंट देखकर लगा कि इसे सीखने में तुम्हें कम से कम 1 साल लगेगा, जब जाकर तुम निवान पैलेस का रास्ता खोल पाओगे। लिन डोंग कहता है कि मैं बस लकी था। ग्रैंड मास्टर यान बताते हैं कि डेस्टिनी सिंबल सील मास्टर के लिए सिर्फ एक बेस होता है, केवल डेस्टिनी सिंबल को रिफाइन करके ही ट्रू मेटल पावर का यूज किया जा सकता है। डेस्टिनी सिंबल को 3 भाग में डिवाइड किया गया है, पहला डेस्टिनी सिंबल, दूसरा डेस्टिनी सोल सिंबल और तीसरा डेस्टिनी हेवन सिंबल। डेस्टिनी सिंबल सबसे कॉमन होता है, डेस्टिनी सोल सिंबल रेयर है। इस तरह का सिंबल होने पर कोई अपने रूप को बदलने में भी सक्षम हो सकता है, साथ ही उनमें एक स्पेशल पावर होती है जैसे पावर ऑफ स्पेस, पावर ऑफ लाइट, साथ ही उनके पास अवशोषण शक्ति होती है। लिन डोंग को अवशोषण शक्ति से याद आता है कि उसने गुइन की मेंटल पावर को निगल लिया था, जिससे उसे समझ आता है कि उसके पास डेस्टिनी सोल सिंबल है।
है, इसीलिए उस समय गुइन उससे बहुत डरा हुआ था। ग्रैंड मास्टर यानब उसे डेस्टिनी हेवन सिंबल के बारे में बताते हैं कि यह सबसे टेरिफाइंग है। ऐसा कहा जाता है कि जब इसे एक बार खोला जाता है तो हेवन और अर्थ को भी निगल सकता है। तुम जैसी मेंटल पावर मैंने किसी के पास नहीं देखी। ऑक्शन में मैंने देखा कि तुम मुझसे छिपने की कोशिश कर रहे थे। क्या मैंने तुम्हें किसी तरह से नाराज किया है? लिन डोंग उन्हें कहता है कि आपने कुछ गलत समझा। मेरी लिन फैमिली में अभी कुछ प्रॉब्लम चल रही है, इसीलिए मैं यहाँ सिटी में किसी को दिखना नहीं चाहता था। मैनेजर से कहती है कि क्या तुम्हारा मतलब उन ब्लड क्लोज सेक्ट के जासूसों से है? ग्रैंड मास्टर यान लिन डोंग से कहते हैं कि हमने सिर्फ यहाँ तुम्हें मिलने के लिए नहीं बुलाया, हम तुमसे एक मदद चाहते हैं। मैनेजर सु लिन डोंग को सेलेस्टियल डेन पुल के बारे में बताती है कि वह पुल पृथ्वी पर मौजूद एक अजीब जगह है और उस सेलेस्टियल डेन पुल में प्योर यिन एंड यांग एनर्जी है। अब तुम उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हो तो तुम न केवल युआन डेन रैंक तक आगे बढ़ सकते हो बल्कि तुम डेन युआन को भी फॉर्मेट कर पाओगे और कम से कम 6 स्टार तक पहुंच जाओगे। लिन डोंग इससे हैरान हुआ पूछता है कि आपको यह अनोखी जगह कहां से मिली? मैनेजर सु बताती है कि जब हम यान सिटी में एक पहाड़ की खोज कर रहे थे तब हमें डेन पुल अनजाने में मिला, पर उसी समय ब्लड वुल्फ मर्सेनरी ग्रुप को भी वो सेलेस्टियल पुल मिला था जो ब्लड क्लोज सेट का एक हिस्सा है। इसीलिए हमें न चाहते हुए भी उनसे समझौता करना पड़ा, जिससे हर साल यंग जनरेशन के बीच एक ऑफिशियल मार्शल आर्ट फाइट होती है और जो उसे जीतता है उस पुल को कंट्रोल कर सकता है। उस फाइट में हम दोनों सेट के 3 यंग पीपल भाग लेते हैं। 3 में से 2 लोगों को ये फाइट जीतनी पड़ती है, इसीलिए हमें इस फाइट में तुम्हारी मदद चाहिए। हमने जीयू के अलावा एक और प्रोफेशनल को इस फाइट के लिए इन्वाइट किया है। जीयू को इससे बहुत गुस्सा आता है कि वो लिन डोंग को उनके ग्रुप में लेना चाहते हैं। लिन डोंग को भी इस बात पर विश्वास नहीं होता। वो मैनेजर से कहता है कि मैं किसी से नहीं डरता, लेकिन मेरी लिन फैमिली की ब्लड क्लोज सेट के साथ दुश्मनी है, इसीलिए मुझे अपनी पावर को जल्दी से बढ़ाना होगा, इसीलिए मैं दूसरे काम में अभी ध्यान नहीं दे सकता। मैनेजर सु कहती है कि हम पावर बढ़ाने में तुम्हारी मदद कर सकते हैं, तुम बस बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। लिन डोंग कहता है कि जीतने के बाद मैं भी सेलेस्टियल डेन पुल की ऊर्जा को प्राप्त करना चाहता हूँ। जियो इससे गुस्सा हुई कहती है कि सेलेस्टियल डेन पुल की ऊर्जा सीमित है, इसीलिए इसे हर कोई नहीं ले सकता, वैसे भी हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। लिन डोंग कहता है कि अगर उन्हें तुम पर विश्वास होता तो वो मुझसे कभी मदद नहीं मांगते। मैनेजर सु लिन डोंग को कहती है कि अगर तुम फाइट में अच्छा योगदान देते हो तो तुम जो भी मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। लिन डोंग उन्हें थैंक्स कहता है। फिर हम देखते हैं कि लिन डोंग जब रात को उस टेलिस्मैन स्टोन में जाता है तो देखता है कि अभी भी उस स्टोन की पावर ठीक नहीं हुई है। इससे वो बहुत परेशान हुआ, सोचता है कि अगर मैं स्टोन में ट्रेनिंग नहीं कर पाया तो मैं वे टोंग को कैसे हराऊंगा, और अपनी मेंटल पावर से उस जगह को चेक करता है पर उसे वहाँ कुछ नहीं मिलता। तभी लिन डोंग को वहाँ किसी की आवाज आती है और उसके पास से एक चीज गुजरती है। लिन डोंग इससे डर जाता है, वो उसे कहता है कि जो भी यहाँ छिपा है वो सामने आओ वरना मैं तुम पर हमला करूंगा, और वो स्पीड नीडल को बना लेता है। पर अभी वो चीज बाहर नहीं आती तो उस पर हमला करने लगता है और उसे घेर लेता है, जिससे वो सामने आ जाता है। वो चीज और कोई नहीं बल्कि वही डीमन मार्टन था जिसे हमने फर्स्ट एपिसोड में देखा था। लिन डोंग को लगता है कि वो एक चूहा है। लिन डियाओ से कहता है कि मैं सेलेस्टियल डीमन मार्टन हूँ। लिन डोंग बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लिन डियाओ कहता है कि मैं यहाँ का मालिक हूँ। लिन डोंग हैरान हुआ कहता है कि अगर तुम इस स्टोन के मालिक हो तो मैंने पहले तुम्हें यहाँ क्यों नहीं देखा? लिन डियाओ बताता है कि अगर तुम उस दिन यांग स्टोन की माइन में फायर एस्टर फैंटम फ्लावर को एब्जॉर्ब नहीं करते तो तुम अगले 100 सालों तक भी मुझे नहीं देख पाते। साथियों से ये भी बताता है कि तुम उस दिन फ्लावर की ऊर्जा से मर सकते थे पर मैंने उसे एजो कर लिया, वरना तुम कब के मर जाते। लिन डोंग को भी वो बात याद आती है। लिन डियाओ वहाँ से जाने लगता है पर लिन डोंग उसे पकड़ लेता है। लिन डियाओ कहता है कि तुम अब मुझसे क्या चाहते हो? लिन डोंग बताता है कि कुछ दिनों से इस स्टोन की पावर कमजोर हो रही है, इसीलिए तुम मुझे बताओ कि इसे रिचार्ज कैसे करना है, अगर तुमने नहीं बताया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। लिन डियाओ कहता है कि तुम मूर्ख हो, तुम केवल कल्टीवेशन के लिए इस स्टोन का इस्तेमाल करते हो, इसे यांग ऊर्जा से रिचार्ज नहीं करते। लिन डोंग सोचता है कि स्टोन एक रेयर ऑब्जेक्ट है, जरूर इसे चार्ज करने के लिए खास ऊर्जा की जरूरत होगी। लिन डियाओ कहता है कि तुम यांग ऊर्जा को हासिल करना चाहते हो तो तुम्हारे पास एक अच्छा मौका है। लिन डोंग समझ जाता है कि वो सेलेस्टियल डेन पुल की बात कर रहा है। लिन डियाओ कहता है कि पहले जब मैं बहुत ताकतवर था मैं तुम जैसे व्यक्ति को हजारों बार मार सकता था, पर मुझे इस स्टोन को
पाने की वजह से खुद का ही विनाश करना पड़ा और एक स्पिरिचुअल सोल के रूप में रिफाइन होकर मैं इस स्टोन के अंदर ही छिप गया, क्योंकि इस स्टोन के पीछे बहुत से लोग पड़े हैं, इसलिए इस स्टोन के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए वरना तुम्हारी जान भी संकट में आ जाएगी। ये कहकर वहाँ से जाने लगता है। लिंडोंग उसे रोकते हुए पूछता है कि तुम पहले इस स्टोन के ओनर थे, इसीलिए तुम इस स्टोन के सीक्रेट को जानते होगे। लिंडियाओ कहता है कि मैं इस स्टोन के बहुत सारे सीक्रेट जानता हूँ, पर मैं इसे तुम्हें क्यों बताऊँ। लिंडोंग कहता है कि तुम्हारी पावर कम हो चुकी है, इसीलिए मैं तुम्हें आसानी से मार सकता हूँ, पर मैं ऐसा नहीं करूँगा और शायद आगे चलकर मैं तुम्हारी वापस से ठीक होने में मदद कर सकता हूँ। लिंडियाओ कहता है कि मुझे ठीक होने के लिए स्पिरिचुअल मेडिसिन की जरूरत होगी, जैसे फायर एक्सटर्नल फैंटम फ्लावर। लिंडोंग कहता है कि मैं स्पिरिचुअल मेडिसिन ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा, पर पहले तुम्हें मुझे मजबूत बनाने के लिए गाइड करना होगा, क्योंकि मेरे मजबूत होने से ही तुम्हें स्पिरिचुअल मेडिसिन मिल सकती है। और उसे पूछता है कि क्या स्टोन में कोई ऐसी चीज है जिससे मैं मेंटल पावर की ट्रेनिंग कर सकूं। लिंडियाओ कहता है कि हाँ, यहाँ ऐसी चीज मौजूद है, पर इससे तुम्हें दर्द होगा। और उसे दूर स्टोन में एक जगह पर लेकर जाता है जहाँ एक बड़ी सी भट्टी मौजूद थी। फिर अब हम देखते हैं कि लिंडियाओ लिंडोंग को बताता है कि यह जगह माइंड मिल स्टोन है। जब तुम इस चक्र के पॉइंट पर बैठकर इसे एक्टिवेट करोगे तो यह तुम्हारी मेंटल पावर को ब्रेक करना शुरू कर देगा और फिर तुम्हें ठीक करेगा। इससे तुम्हारी मेंटल पावर में बहुत इम्प्रूवमेंट होगी, पर इस प्रोसेस में तुम्हें बहुत दर्द होगा। लिंडोंग कहता है कि अगर मैं उस दर्द को सहन नहीं कर पाया तो क्या होगा। लिंडियाओ कहता है कि अगर तुम इसे सहन नहीं कर पाए तो इससे तुम्हारी मेंटल पावर हट होगी, साथ ही तुम पर इसका साइड इफेक्ट भी होगा। मैंने इस प्रोसेस को केवल 5 बार किया है और अब मैं इसे कभी टच नहीं करता, क्योंकि मेंटल पावर के नष्ट होने से बेहद दर्द होता है। लिंडियाओ उसे डराने की कोशिश कर रहा था, पर लिंडोंग निडर था, वो बिल्कुल भी नहीं डरता और आगे जाकर उस माइंड मिल स्टोन के पॉइंट में जाकर बैठ जाता है। अब मेंटल पावर के रिफाइनमेंट की प्रोसेस शुरू हो जाती है, जिससे लिंडोंग को दर्द होता है। लिंडोंग उस दर्द को सहता रहता है और इस प्रोसेस को लगातार 10 बार पूरा कर लेता है। लिंडियाओ भी इससे हैरान हुआ सोचता है कि वास्तव में लड़का काफी कठोर है। लिंडोंग अब नीचे आ जाता है। लिंडियाओ से कहता है कि तुम अपनी पहली कोशिश में ही इस चक्र को 10 बार सह चुके हो, मैंने वास्तव में तुम्हें कम आका था। और वो सोचता है कि मैं सेलेस्टियल डेन पूल में पावर को हासिल करने के लिए इस बच्चे का इस्तेमाल कर सकता हूँ। वो लिंडोंग से कहता है कि तुम काफी थक चुके हो, इसीलिए अभी आराम करो, फिर तुम मेंटल पावर को बढ़ाने के लिए मेडिसिन का सेवन करना जो तुमने ऑक्शन से खरीदी थी, क्योंकि अगर तुम्हारी मेंटल पावर कमजोर होगी तो तुम सेलेस्टियल डेन पूल में अच्छे से स्नान नहीं कर पाओगे। तुम्हारी मेंटल पावर बढ़ने के बाद मैं तुम्हें स्पाइरल स्टोन टेक्निक सिखाऊंगा, जो एक मेंटल टेक्निक है जिसकी तुलना तुम्हारे शटल से नहीं की जा सकती। लिंडोंग को उस पर शक होता है, इसीलिए उसे कहता है कि तुम मेरे प्रति इतने अच्छे क्यों हो। लिंडियाओ कहता है कि अब स्टोन तुम्हारे हाथ में है, इसीलिए मेरी और स्टोन की सुरक्षा तुम पर डिपेंड करती है, जिस वजह से तुम्हें पावरफुल बनना होगा। और वहाँ से चला जाता है। लिंडोंग भी वापस अब रियल लाइफ में आ जाता है। उसे माइंड मिल स्टोन की वजह से दर्द हो रहा था। वो कहता है कि वेटोंग से फाइट में सिर्फ 1 महीना बाकी रह गया है, मुझे जल्दी अपनी पावर बढ़ानी होगी। फिर अब हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सेलेस्टियल डेन पूल फाइट के लिए मैनेजर सूरज से लिंडोंग को लेने आई थी। लिंडोंग रथ में आ जाता है। रथ में लियुई और यूजी भी मौजूद थे। लियुई वो दूसरा स्टूडेंट था जो इस सेलेस्टियल डेन पूल फाइट में भाग ले रहा था, इसीलिए वो लिंडोंग को प्रणाम करता है। लिंडोंग अब उस रथ में मौजूद कीमती चीजों को बहुत गौर से देखने लगता है। जियो उसे गवार कहती है, जिससे उसे गुस्सा आता है और गलती से उसे वहाँ लगे हुए डियर का सिंह टूट जाता है। लिंडोंग उसे जल्दी से वहाँ लगा देता है। मैनेजर सुलिन डोंग को प्रेसिडेंट जिया से मिलवाती है, जो ट्रेड वन जीन यानी 1000 गोल्ड एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे, पर उनकी हाइट बहुत कम थी। इससे लिंडोंग हैरान था कि एक बच्चा प्रेसिडेंट कैसे हो सकता है। मैनेजर सू से बताती है कि यह बच्चे नहीं बल्कि जवान है और यह परफेक्ट युआन डेन स्टेज के पेटिशनर है। लिंडोंग उन्हें प्रणाम करता है। प्रेसिडेंट जिया लिंडोंग को कहते हैं कि यह डियर बहुत कीमती है, पर तुम इसके मूल्यता को नहीं समझते, और उस पर गुस्सा होने लगते हैं। मैनेजर सू बताती है कि वही लड़का है जिसके ग्रैंड मास्टर यान ने तारीफ की थी और ये कुछ ही महीने में रैंक 1 का सील सिंबल मास्टर बन गया। इससे प्रेसिडेंट जिया हैरान हुए। लिंडोंग से कहते हैं कि माफ करना, वैसे ये चीजें तुमसे ज्यादा मूल्यवान नहीं थी, इसीलिए मैं तुम्हें माफ करता हूँ। लिंडोंग कहता है कि मैं सेलेस्टियल डेन पूल फाइट में जीतने की पूरी कोशिश करूंगा। मैनेजर सू लिंडोंग से कहती है कि
तुम्हें ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जियो और लियू ही हेवनली युवान लेट स्टेज के पेटिशनर है। अब वो सभी उस माउंटेन पर आ जाते हैं जहाँ सेलेस्टियल डेन पुल था। वहाँ ब्लड क्लॉथ सेट का लीडर युशान अपने लोगों के साथ मौजूद था, क्योंकि आज उनके बीच कॉम्पिटिशन होने वाला था। मैनेजर सोलिन डोंग को युशान के बारे में बताती है कि वो प्रेसिडेंट जिया की तरह ही परफेक्ट युवान डेन स्टेज में है, और वो इस बार अपने दो बच्चों के साथ इस कॉम्पिटिशन में आया है जिनके नाम येलिंग और यू फेंग है। ये दोनों हेवनली युवान लेट स्टेज में है। लिन डोंग देखता है कि युशान के साथ एक लड़का और है। वो उसके बारे में मैनेजर से पूछता है। वो बताती है कि इसके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, पर इसे ब्लड क्लॉथ सेक ने काम पर रखा होगा और अभी तक हमें इसके लेवल का भी कोई अंदाजा नहीं है। लिन डोंग को आदमी नॉर्मल नहीं लगता, क्योंकि उसके हाथ से खून बह रहा था। अब पहला राउंड स्टार्ट होता है जिसमें जियो की फाइट यू लिन के साथ होने वाली थी। जियो लड़ने के लिए अपनी शॉट को बाहर निकाल लेती है। लिन डोंग देखता है कि इस लड़की का मेंटल पावर में काफी अच्छा टैलेंट है। यू लिन अपने व्हीप से जियो पर हमला करने की कोशिश करती है, पर उसके वार से बच रही थी। जियो अपनी शॉट के लगातार हमलों से उसके व्हीप को घिरा देती है और शॉट को गर्दन पर पॉइंट कर देती है, जिससे राउंड जियो जीत जाती है। अब युशान लड़ने के लिए अपने बेटे यू फेंग को भेजता है। लियो ही उससे लड़ने जाता है। लिंग डियाओ मौका देकर बाहर आ जाता है और वो सेलेस्टियल डेन पुल में जाता है, पर वो एक स्पीड होने की वजह से ज्यादा गहराई में नहीं जा पाता और उसकी ठंड की वजह से कुल्फी जम जाती है। वो सोचता है कि मुझे गहराई में जाने के लिए लिन डोंग पर ही डिपेंड होना पड़ेगा। वही यू फेंग और लियो ही आपस में फाइट कर रहे थे, पर यू फेंग का स्पीयर लेवल 4 स्टेज पर पहुंच चुका था, इसलिए आसानी से लियो ही को हरा देता है। प्रेसिडेंट जिया लिन डोंग से कहते हैं कि अब जीतना और हारना सब तुम पर डिपेंड करेगा, क्योंकि दोनों सेक्ट ने एक एक राउंड जीता था। लिन डोंग कहता है कि आप निश्चित रहें, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। मैनेजर सु लिन डोंग के पास आकर कहती है कि तुम्हें हमारे लिए जीतना ही होगा। लिन डोंग शर्माते हुए आगे आ जाता है। युशान भी अब उस लड़के को लड़ने भेजता है जिसका नाम जिंगली था। जिंगली लिन डोंग से कहता है कि हम ट्रेनिंग की तरह फाइट नहीं करेंगे, हमारे बीच मौत की लड़ाई होगी। अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो अभी सरेंडर कर दो। मार्टिन लिन डोंग से कहता है कि सेलेस्टियल पुल की ऊर्जा बहुत शुद्ध है और ये स्टोन की एनर्जी को रिकवर करने में तुम्हारी मदद करेगा, इसलिए तुम्हें लड़ाई कुछ भी करके जीतनी होगी। लिन डोंग कहता है कि चूहे तुम चिंता मत करो, ये फाइट में जीत कर रहूंगा, और लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। जिंगली उस पर हमला करता है, पर लिन डोंग भी उसके वार से बचता हुआ उस पर हमला करने लगता है। वो दोनों एक दूसरे से जीत नहीं पा रहे थे। जिंगली अपनी पावर को एक्टिवेट करता है, जिससे सभी को पता चलता है कि वो लेट सेलेस्टियल युवान स्टेज पर है। इससे प्रेसिडेंट जिया भी डर जाते हैं कि यह लड़का बहुत क्रूर है। लगता है लिन डोंग के लिए इससे बचना आसान नहीं होगा। जिंगली उस पर हमला करने आता है, पर लिन डोंग अपनी मेंटल पावर से उसे दूर कर देता है। लिन डोंग की मेंटल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग थी, जिससे जियो भी हैरान होती है कि इस भिखारी के पास ऐसा टैलेंट कैसे हो सकता है। लिन डोंग अब मिल स्टोन से उस पर हमला करने लगता है, पर वो उसके वार से बचता जाता है। जिंगली सोचता है कि अगर ऐसे ही मुझ पर हमला करता रहा तो मैं जीत नहीं पाऊंगा, और अब वो उस पर हमला करने जाता है, पर लिन डोंग भी उस पर पलट वार करता है। लिन डोंग का ऑरा पावरफुल था, जिससे जिंगली दूर जाकर गिर जाता है। लिन डोंग सोचता है कि वो जीत गया, इसीलिए वो वापस आने लगता है, पर जिंगली अब गुस्से में अपनी सीक्रेट टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है। वो उसे कहता है कि तुमने मुझे इस स्टेट पर पहुंचने के लिए विवश कर दिया, वाकई तुम्हें बहुत हुनर है, पर अब मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। लिन डोंग को समझ नहीं आता कि अचानक उसकी पावर कैसे बढ़ गई। प्रेसिडेंट जिया समझ जाते हैं कि वो ब्लड को पावर में बदलने वाली एबिलिटी का इस्तेमाल कर रहा है। मैनेजर सु कहती है कि ये टेक्निकल पावर को थोड़े समय के लिए बहुत ज्यादा बढ़ा देती है, पर इससे बॉडी ब्लड इवेपोरेट होता है। प्रेसिडेंट जिया कहती है कि इस टेक्निक की वजह से जिंगली की पावर युआन डेन स्टेज पर पहुंच गई है। लगता है लिन डोंग बड़े खतरे में है। जिंगली लिन डोंग पर तेजी से हमला करने आता है, पर वो उसके वार से बच रहा था। यू फेंग ये देखकर खुश होता है कि वो लड़का बहुत पावरफुल है, इसीलिए वो अपने पिता से कहता है कि आप वाकई बहुत शातिर हो, अब हमें जीतने से कोई नहीं रोक सकता। मैनेजर सु कहती है कि लिन डोंग तुम्हें कुछ भी करके हमारे लिए जीतना होगा। लिन डोंग अभी भी जिंगली के वार से बच रहा था। अब वो दोनों फाइट करने लगते हैं, पर जिंगली पावरफुल हो गया था, जिससे वो लिन डोंग को दूर धकेल देता है। लिन डोंग सोचता है कि पिछली बार मैंने गुइन को हरा दिया था, पर इस बार इसे हराना मुश्किल होगा। जिंगली अब अपनी ब्लड जायंट हैंड ट्रिक को एक्टिवेट करके लिन डोंग पर हमला करता है। मार्टिन मन में लिन डोंग से
कहता है कि तुम्हें अभी मेरी सिखाई हुई टेक्निक का इस्तेमाल करना होगा। लिंडोंग ऐसा ही करता है और वो अब अपनी स्पाइरल स्टॉर्म टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है। उसकी टेक्निक देखकर प्रेसिडेंट जिया हैरान होते हुए कहते हैं कि लड़का वास्तव में स्टेज वन का सिलसिमल मास्टर है। उन दोनों की पावर अब आपस में टकराती है जिससे तेज धमाके की वजह से धूल उड़ती है। पर जब धूल साफ होती है तो सबको पता चलता है कि लिंडोंग ने जिंगली को अपने कब्जे में ले लिया था, जिससे जिंगली को ना चाहते हुए भी हार माननी पड़ती है और इस प्रकार लिंडोंग जीत जाता है। प्रेसिडेंट जिया खुश हुए। मैनेजर उसे कहते हैं कि वास्तव में इस लड़के के पास टैलेंट है। इसकी तुलना स्टेज टू के सील सिंबल मास्टर से की जा सकती है और ये लड़का जल्दी ही लेवल टू का सील सिंबल मास्टर बन जाएगा। मैनेजर से कहती है कि इस लड़के की मेंटल पावर को देखते हुए ये लड़का फ्यूचर में बहुत आगे जाएगा। जियो भी कहती है कि इस लड़के ने अपनी काबिलियत को बहुत अच्छे से छिपाया था। यू शान उनके पास आता है, इससे उनको लगता है कि वो उनसे फाइट करने वाला है। पर यू शान कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं अपने सम्मान से हारता हूँ, मैं तुम्हारे खिलाफ कोई भी कदम नहीं उठाऊंगा। और वो पूछता है कि लड़का कौन है जिसके पास इतनी अनइमेजिनेबल पावर है। लिंडोंग उसे अपना नाम नहीं बताता और कहता है कि मैं इतना फेमस नहीं हूँ। यू शान कहता है कि अगर फ्यूचर में हमारी दोबारा मुलाकात हुई तो मैं तुम्हें अच्छे से देख लूंगा। अब अपने साथियों के साथ वहाँ से चला जाता है। प्रेसिडेंट जिया अब लिंडोंग को ये फाइट जितवाने के लिए थैंक्स कहते हैं। लिंडोंग कहता है कि मैंने केवल समझौते का पालन किया, अब मैंने जीत हासिल की है, इसीलिए अब आप मुझे वो इनाम दे सकते हो जिसका मुझे वादा किया गया था। फिर अब हम देखते हैं कि लिंडोंग और बाकी सभी सेलेस्टियल डेनपूल के पास आ जाते हैं। प्रेसिडेंट जिया बताते हैं कि इस तालाब का साइज इतना बड़ा नहीं है लेकिन यह बहुत गहरा है, इसीलिए इसकी जमी हुई ऊर्जा बहुत स्ट्रांग होगी, पर गहराई में ज्यादा खतरा हो सकता है। इसीलिए मेरा सुझाव है कि तुम जहाँ नीचे मत जाना, हम यहाँ बाहर से तुम्हारी रक्षा करेंगे। लिंडोंग देखता है कि उस पुल में बहुत ग्रेट यिंग यांग एनर्जी है जिससे वो खुशवास होता है कि वास्तव में यह तालाब बहुत महान है। जियो जल्दी से उस तालाब के अंदर कूद जाती है। अब वो दोनों भी एक एक करके उस तालाब में कूद जाते हैं। लिंडोंग महसूस करता है कि तालाब के अंदर की एनर्जी बहुत ज्यादा प्योर है। तभी वो देखता है कि जियो और वान जिन तालाब की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लग गए हैं, इसीलिए वो सोचता है कि मुझे भी जल्दी से इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करना होगा। लिंडोंग को याद आता है कि उसके दादा ने उसे शहर आने से पहले लिन फैमिली की एक सीक्रेट किंग युआन टेक्निक सिखाई थी और बताया था कि यह टेक्निक तुम्हारे अवशोषण स्तर को बहुत बढ़ा देगी जिससे तुम अपनी उम्र के लोगों से बहुत आगे निकल जाओगे। लिंडोंग उसी किंग युआन टेक्निक का इस्तेमाल करता है पर वो टेक्निक बिल्कुल भी काम की नहीं थी, वो बहुत कम एनर्जी को एब्जॉर्ब कर पा रहा था। वो देखता है कि जियो बहुत ज्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रही है और वान जिन का भी अवशोषण स्तर उससे ऊंचा था। यह देखकर वो बहुत निराश हुआ, सोचता है कि मुझे जल्दी ही कोई अच्छी अवशोषण टेक्निक ढूंढनी होगी। तभी मार्टन हंसते हुए कहता है कि तुम्हारी इस अवशोषण टेक्निक के साथ तुम इस तालाब की स्पिरिचुअल पावर को वेस्ट कर रहे हो, साथ ही मुझे तुम्हारे परिवार की सीक्रेट टेक्निक पर हंसी आ रही है। लिंडोंग कहता है कि तुम अचानक बाहर क्या मेरा मजाक उड़ाने के लिए आए हो, अगर मैं आज ज्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाया तो स्टोन की एनर्जी रिकवर नहीं होगी और ये तुम्हारे लिए भी अच्छा नहीं होगा। मार्टन कहता है कि तुम चिंता मत करो, मेरे पास तुम्हारी मदद करने का एक तरीका है। लिंडोंग कहता है कि तुम इतने भी अच्छे नहीं हो जो फ्री में मेरी मदद कर दो। मार्टन कहता है कि तुमने सही कहा, मेरे पास अवशोषण स्पीड को बढ़ाने का तरीका है, पर इस टेक्निक के बदले तुम्हें भी मेरी मदद करनी होगी। इस तालाब के नीचे एक अजीब सी हलचल है, मुझे लग रहा है कि वहाँ कोई स्पिरिचुअल ऑब्जेक्ट होगा, इसीलिए मैं तुम्हें एक अवशोषण टेक्निक सिखाऊंगा, उसके बदले में तुम्हें मुझे इस तालाब के बॉटम में लेकर जाना होगा जहाँ जाकर हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। लिंडोंग कहता है कि हमें समझा कि तुम मेरे जीतने में इतने इंटरेस्टेड क्यों थे, तुम तेलिस्मान स्टोन की वजह से नहीं बल्कि स्पिरिचुअल ऑब्जेक्ट हासिल करना चाहते थे। मार्टन उसे कहता है कि तुम बकवास मत करो, अगर तुम्हें डील करनी है तो जल्दी करो वरना वो दोनों तालाब की सारी ऊर्जा को एब्जॉर्ब कर लेंगे। लिंडोंग उसकी डील स्वीकार कर लेता है तो मार्टन कहता है कि अब मैं तुम्हें मेंटल पावर की एक सीक्रेट टेक्निक सिखाऊंगा जिसका नाम क्यू गैदरिंग मेटल वोर्टेक्स है और अब उसे उसका मंत्र बताता है जिसकी
लंबी प्रैक्टिस करने के बाद लिंडोंग उस टेक्निक का इस्तेमाल करता है जिससे उसके चारों तरफ वोर्टेक्स बन जाता है और वो बहुत तेजी से उस तालाब की ऊर्जा को अवशोषित करने लगता है। लिंडोंग खुश हुआ कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल इस तरह भी किया जा सकता है। जियू जब उसकी ये टेक्निक देखती है तो भी हैरान हो जाती है क्योंकि वो उन सबसे ज्यादा एनर्जी का एब्जॉर्ब कर रहा था, इसीलिए वो भी अपनी टेक्निक को फास्ट कर लेती है। लिंडोंग के वोर्टेक्स की वजह से ऊपर भी इसका असर हो रहा था जिससे मैनेजर सू और प्रेसिडेंट जिया हैरान थे। लिंडोंग ने बहुत सी ऊर्जा को एब्जॉर्ब कर लिया था जिससे वो प्रमोट होकर हेवनली युआन लेट स्टेज पर पहुंच जाता है जिससे वो खुश होता है। मार्टिन कहता है कि सब मेरी वजह से है, अब पत्थर की ऊर्जा भी पहले की तरह ठीक हो चुकी है, इसीलिए अब तुम्हें भी अपना वादा निभाना होगा। लिंडोंग अब तालाब के नीचे जाने लगता है। वो जब बहुत गहराई में आता है तो पानी से बाहर निकल जाता है क्योंकि उस तालाब के दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी गुफा थी। लिंडोंग उस जगह को देखकर हैरान होता है। वो जब आगे जाता है तो वहाँ उसे एक अजीब सा क्रिस्टल दिखाई देता है जिसे देखकर वो हैरान हुआ मार्टिन से पूछता है कि वो चीज क्या है। तो वो बताता है कि वो जरूर जेड वाटर पाइथन की डेमोनिक सोल होगी। लिंडोंग पूछता है कि ये जेड वाटर पाइथन कितना स्ट्रॉन्ग है। मार्टिन कहता है कि तुम ज्यादा चिंता मत करो, वो घायल हो चुका था और उसकी इंटेलिजेंस लेवल ज्यादा नहीं है, इसीलिए इससे निपटना आसान होगा। लिंडोंग फिर भी उससे पूछता है कि वास्तव में कितना स्ट्रॉन्ग होगा। मार्टिन कहता है कि अगर हम इसकी तुलना इंसान से करें तो यह भी परफेक्ट युआन डेन स्टेज पर होना चाहिए। लिंडोंग कहता है कि घायल होने के बाद भी परफेक्ट युआन डेन स्टेज पर है, अगर ये अभी ठीक होता तो यह कम से कम परफेक्ट फॉर्म क्रिएशन स्टेज में होता। इससे वो डर जाता है कि वो जेट पाइथन बहुत पावरफुल होगा और वो मार्टिन से कहता है कि क्या तुम मुझे मारना चाहते हो, और वो वहां से वापस जाने लगता है। तभी स्टोन में से मार्टिन बाहर निकल आता है और उस जेट पाइथन की डेमोनिक सोल के पास जाकर बताता है कि जेट पाइथन यहाँ बहुत ही मूल्यवान चीज की रक्षा कर रहा है जो यिंग यांग पर्ल है। लिंडोंग भी वहाँ जाकर उन पर्ल को देखता है। मार्टिन उसे बताता है कि यिंग यांग पर्ल इस तालाब का असली खजाना है क्योंकि ये पर्ल 10,000 सालों में सिर्फ एक बार बनते हैं। अगर तुम इन पर्ल को प्राप्त कर लोगे तो मैं दावा करता हूँ कि तुम सिर्फ 3 महीनों के अंदर ही युआन डेन स्टेज में एंटर कर लोगे। लिंडोंग इससे खुश होता है पर फिर वो सोचकर कहता है कि अगर मैं इन पर्ल को हासिल करने के चक्कर में जेट पाइथन के हाथों यही मारा गया तो इन पर्ल का क्या फायदा होगा, और मरने के बाद वेई टोंग भी मेरे परिवार को जिंदा नहीं छोड़ेगा। मार्टिन कहता है कि बेवकूफ लड़के, तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही उस जेट पाइथन को हरा दूंगा। लिंडोंग उसे कहता है कि तुमने तो मुझे बताया था कि तुम्हारे पास कोई पावर नहीं है। मार्टिन कहता है कि मेरे पास पावर नहीं है, पर अगर तुम अपनी स्पिरिचुअल पावर को स्टोन के अंदर डालोगे तो मैं उसे इस्तेमाल के लिए उधार ले पाऊंगा। लिंडोंग कहता है कि मैं अभी सिर्फ हेवनली युआन लेट स्टेज में हूँ, भले ही मैं तुम्हें अपनी सारी पावर उधार दे दूँ फिर भी तुम उस जेड वाटर पाइथन से जीत नहीं पाओगे। मार्टिन कहता है कि तुम हमारी हेवनली डेमोनिक मार्टिन जाति को कम आंक रहे हो, अभी मेरे पास मेरी 0.1% भी पावर नहीं है, पर फिर भी मेरे लिए एक घायल डेमोनिक स्पीड को अवशोषित करना मुश्किल नहीं होगा। लिंडोंग अभी भी उसकी मदद के लिए तैयार नहीं होता। तो मार्टिन कहता है कि मैंने तालाब की बहुत सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने में तुम्हारी मदद की, क्या तुम फिर भी मेरे प्रति इतना स्वार्थी रहोगे? अगर मैंने अपनी शक्ति इस पाइथन को निगलने की वजह से थोड़ी भी रिकवर कर ली तो मैं फ्यूचर में तुम्हारी बहुत मदद कर सकता हूँ। लिंडोंग मान जाता है और अपनी स्पिरिचुअल पावर को स्टोन के अंदर डालकर उसके अंदर भेजता है जिससे उसकी पावर बढ़ जाती है, जिससे लिंडोंग भी हिल जाता है। मार्टिन कहता है कि मैंने अपनी हड्डियों को सिर्फ थोड़ा सा हिलाया लेकिन तुम उसे बर्दाश्त नहीं कर पाए। मार्टिन अब अपनी पावर से सेलेस्टियल डेमोन माउथ को एक्टिवेट करता है जिससे वो उस जेट पाइथन की डेमोनिक सोल को निगलने वाला था, पर तभी वो डेमोनिक सोल क्रैक हो जाती है और वो जेट पाइथन होश में आ जाता है। यह देखकर मार्टिन भी डर जाता है। जेट पाइथन मार्टिन पर हमला करने की कोशिश करता है पर उसके जर से बचता जाता है। लिंडोंग मार्टिन से कहता है कि हमें जल्दी से यहाँ से निकलना चाहिए, तुम दूसरी तरफ क्यों जा रहे हो? मार्टिन कहता है कि मुझे कोशिश करनी है, और क्या तुम्हें भी वो यिंग यांग पर नहीं चाहिए? लिंडोंग कहता है कि हम इस अजीब से सांप का सामना नहीं कर सकते, बेहतर होगा कि हम अपनी जान बचाएं। मार्टिन कहता है कि मैं इसे खत्म कर सकता हूँ तो मैं अपनी सारी स्पिरिचुअल पावर को स्टोन में डालना होगा। लिंडोंग ऐसा ही करता है और वो अपनी सारी स्पिरिचुअल पावर को स्टोन में डालने लगता है। मार्टिन भी स्टोन के अंदर चला जाता है। जेट पाइथन लिंडोंग की तरफ आता है, यह देखकर लिंडोंग डर जाता है। उसे लगता है कि मार्टिन ने उसे धोखा दिया। तभी वो जेट पाइथन उस पर हमला करने वाला
था, पर तभी मार्टन बाहर निकल आता है और उसके हमले को रोक देता है। मार्टन अब विशालकाय ड्रैगन में तब्दील हो गया था, जिसे लिनडोंग भी दंग रह जाता है। वो कहता है कि वास्तव में मार्टन कोई नॉर्मल चूहा नहीं है। मार्टन अब जोर से दहाड़ता है, उसके सामने वो जेट पायथन एक बच्चा लग रहा था। मार्टन अब उस जेट पायथन को निगल लेता है, जिससे एक तेज विस्फोट होता है। मार्टन भी इससे काफी कमजोर हो चुका था। लिनडोंग उसे पकड़ लेता है और कहता है कि क्या तुम ठीक हो। मार्टन कहता है कि मैं ठीक हूँ, मुझे कैसे कुछ हो सकता था, मैं तुम्हारा एहसान याद रखूंगा। अभी मुझे कुछ समय के लिए गहरी नींद में सोना होगा, इसीलिए मुझे परेशान मत करना और यहाँ से जाने से पहले यिंग यांग पल को भी लेना मत भूलना। लिनडोंग अब उन पल को लेकर वहाँ से निकल जाता है। फिर हम देखते हैं कि और रस से वापस लौट रहे थे। मैनेजर सो लिनडोंग से कहती है कि मैंने देखा कि तालाब में हलचल हो रही थी, उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारी अवशोषण टेक्निक भी इतनी अच्छी होगी। जियो का भी गुस्सा थी क्योंकि उसने बहुत सी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया था। प्रेसिडेंट जिया कहते हैं कि तुम्हारे तालाब से निकलने के बाद में देख रहा हूँ कि तुम्हारा चेहरा पीला पड़ गया है, क्या तुम ठीक हो। लिनडोंग उन्हें कहता है कि आप चिंता न करें, मेरी अवशोषण टेक्निक बहुत अधिक मेंटल एनर्जी को कंज्यूम करती है, मैं कुछ दिन आराम करने के बाद ठीक हो जाऊंगा। प्रेसिडेंट जिया कहते हैं कि लिनडोंग ने हमारी तालाब की लड़ाई जीतने में बहुत मदद की है, अगर इसने थोड़ी सी ज्यादा एनर्जी को भी एब्जॉर्ब कर लिया होता तो इससे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और जियो और लियुई से कहते हैं कि तुम्हें लिनडोंग को जीत के लिए थैंक्स कहना चाहिए। लियुई लिनडोंग को थैंक्स कहता है, पर जियो काफी गुस्से में थी, वो लिनडोंग को थैंक्स नहीं कहती। वो सभी उसकी तरफ देखने लगते हैं। यह देखकर वो उन सभी से कहती है कि आप सभी मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, मैं अपना राउंड जीत चुकी थी। मैनेजर सोचते हुए कहती है कि भी अपनी जगह सही है, और वो लिनडोंग से कहती है कि तुमने कहा था कि तुम्हारे और ब्लड क्लोज सेट के बीच कुछ दुश्मनी चल रही है, मैंने भी देखा था कि उस दिन एसोसिएशन में दो जासूस तुम्हारे पीछे थे, इसीलिए क्या तुम हमें बताओगे कि वास्तव में तुम्हारे साथ क्या हुआ है। लिनडोंग कहता है कि उनसे मुझे थोड़ी नाराजगी है, कुछ दिनों बाद मेरे और वेटोंग के बीच मौत की लड़ाई होगी। इससे जियो भी हैरान हुई, कहती है कि तुम वेटोंग के खिलाफ क्यों लड़ोगे, क्या तुम अब जिंदा रहना नहीं चाहते। वेटोंग एडवांस युआन डेन स्टेज में है, उसकी तुलना आज के जियान ली से नहीं की जा सकती जिससे तुमने फाइट की थी। प्रेसिडेंट जिया कहते हैं कि तुमने ब्लड क्लोज सेट को किस तरह अपमानित किया जिससे वो तुम्हारे इतने बड़े दुश्मन बन गए। लिनडोंग कहता है कि मैंने उनके वाइस पेट्रियार्क को मार डाला, इससे वो सभी चौंक जाते हैं। मैनेजर सु कहती है कि वो गुइन सेकंड लेवल का सील सिंबल मास्टर था, फिर भी तुमने उसे कैसे मारा। लिनडोंग कहता है कि वो मेरे परिवार के मामलों के बीच पड़ गया था, इसीलिए मुझे उसे मारना पड़ा। प्रेसिडेंट जिया कहते हैं कि गुइन एक दुष्ट इंसान था, अच्छा हुआ वो मर गया। मैं चाहता हूँ कि तुम अब से अपना नाम मेरे 1000 गोल्ड एसोसिएशन के अंदर रखो। लिनडोंग इससे हैरान हो जाता है। मैनेजर सु कहती है कि अगर तुम हमारे करीबी परिवार रहोगे तब तुम्हारे परिवार की प्रॉब्लम भी हमारी प्रॉब्लम होगी, साथ ही ब्लड क्लोथ सेट का भी हम मिलकर सामना करेंगे। ब्लड क्लोथ गैंग हमारा भी सबसे बड़ा दुश्मन है, लिनडोंग प्रेसिडेंट जिया को थैंक्स कहता है। मैनेजर सु लिनडोंग से पूछती है कि तुम्हारे और वेटोंग के बीच फाइट में तुम्हारे जीतने के कितने चांस है, अगर तुम वेटोंग को हरा दोगे तो उससे हमारे एसोसिएशन को भी बड़ा फायदा होगा, इसीलिए अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम या मदद की जरूरत हो तो हमें बता सकते हो। लिनडोंग ने बताता है कि आज मैंने बहुत सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, लेकिन मेरे पास कोई स्ट्रॉन्ग टेक्निक नहीं है जिससे मैं उस एनर्जी से अपनी स्पिरिचुअल पावर को रिफाइन कर सकूं, इसीलिए मैं चाहता हूं कि आज सिटी में आप मेरे लिए कुछ अच्छी टेक्निक पर ध्यान दें। मैनेजर सु कहती है कि ऐसी टेक्निक ढूंढना आसान नहीं होता, पर तुम लकी हो। और वो उसके पास आकर बताती है कि कुछ दिनों पहले ही मैंने इस सीक्रेट टेक्निक को खरीदा था जिसे त्रिसन टेक्निक कहते हैं। ये टेक्निक तुम्हारी बॉडी के 15 हिडन चैनल्स को खोलने में मदद कर सकती है, और अब से ये टेक्निक तुम्हारी हुई। लिनडोंग खुश हुआ उसे ले लेता है और मैनेजर सु को थैंक्स कहता हुआ बताता है कि आपको इसे खरीदने के लिए बड़ी कीमत चुकानी पड़ी होगी, पर मैं लिनडोंग इसे जरूर वापस लौटा दूंगा। मैनेजर सु कहती है कि तुम मेरे साथ इतना अजीब व्यवहार मत करो, तुम अब से मुझे सिर्फ जुआन सु कहकर बुला सकते हो। फिर हम देखते हैं कि लिनडोंग अब अपने रूम में आकर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिकवर कर लेता है। अब वो यिंग यांग पल को बाहर निकालता है और कहता है कि अब इस ट्रेजर को इस्तेमाल करने का वक्त आ चुका है। फिर अब हम देखते हैं कि लिनडोंग मैनेजर सु के द्वारा दी गई त्रिसन टेक्निक की प्रैक्टिस कर रहा होता है, जिससे बॉडी की 15 वेंस खुल जाती है। लिनडोंग सोचता है कि अगर मैं स्टोन की मदद लूं तो मैं और ज्यादा वेंस को खोल पाऊंगा, और अब स्टोन की पावर भी रिकवर हो चुकी
लड़की है वो स्टोन ओशन में जाता है जहाँ वो देखता है कि वहाँ शेडो वापस से बनने लग गई है। इससे वो खुश होता है कि स्टोन की पावर फाइनली रिकवर हो गई। तभी वो शेडो में देखता है कि उसमें 22 वेंस खुली हुई है, इसीलिए वो भी उस शेडो के मुताबिक ही प्रैक्टिस करने लगता है जिससे उसकी बॉडी में भी एक्स्ट्रा वेंस बनने लगती है और वो अपनी सभी वेंस को एक्टिवेट कर पाता है। लिन डोंग खुश होता है और वो लगातार वेंस को रिफाइन करता रहता है। लिन डोंग अब यिंग यांग पर्ल को भी एक्टिवेट करता है और उसकी एनर्जी को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेता है, पर वो उस एनर्जी को बॉडी में रिफाइन नहीं कर रहा था, वो एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग थी। लिन डोंग कहता है कि मैं हार नहीं मान सकता, वेई टोंग से फाइट में कुछ ही दिन रह गए हैं। अब वो उस पर्ल एनर्जी को रिफाइन करने लगता है जिससे उसे बहुत दर्द होता है। वहीं हम गांव में किंग डैन को देखते हैं जो अभी भी अपने भाई की राह देख रही थी। वो यून उसके पास आकर कहता है कि तुम चिंता मत करो, लिन डोंग वापस जरूर आएगा। लिन डोंग अब उस पर्ल की एनर्जी को अपने युआन डैन सीड में रिफाइन करने में कामयाब हो जाता है जिससे उसका सीड लेवल युआन डैन के 8 स्टार पर पहुंच गया था। लिन डोंग इससे खुश हुआ कहता है कि जब दादाजी युआन डैन स्टेज पर पहुंचे थे तो उनका सीड केवल 4 स्टार पर था। वास्तव में इस पर्ल की एनर्जी बहुत प्योर है। अब वो युआन सीड को वापस अपनी बॉडी में निगल लेता है जिससे एक तेज रोशनी निकलती है। लिन डोंग खुश होता है। तभी उसकी मेंटल पावर भी अनस्टेबल होने लगती है और वो सेकंड लेवल का सील सिमल मास्टर बन जाता है। इससे वो बहुत खुश होता हुआ कहता है कि वेई टोंग इस बार में फाइट में तुम्हें जरूर खत्म कर दूंगा। लिन डोंग उस गोल्ड एसोसिएशन में आता है क्योंकि मैनेजर सुने उसे वहाँ बुलाया था। वहाँ अभी भी वेई टोंग के जासूस लिन डोंग पर नजर रखे हुए थे। जुआन सू लिन डोंग को अपने साथ एक कमरे में लेकर जाती है जहाँ किंग टेन तेजी से अपने भाई के पास आकर उसे गले लगा लेती है। लिन डोंग उसे देखकर बहुत खुश होता है। वहाँ लिन जेन तियान और लिन जियो भी आए थे। वो लिन डोंग के पास आते हैं। लिन डोंग उन्हें कहता है कि आप लोग यहाँ क्यों आए। लिन जेन तियान बताते हैं कि हम कुछ दिनों पहले ही यहाँ सिटी में आ गए थे, लेकिन हम तुम्हें परेशान नहीं करना चाहते थे, इसीलिए तुमसे मिलने नहीं आए। लिन जियो अपने बेटे से कहते हैं कि तुम्हारी वजह से 1000 गोल्ड एसोसिएशन ने हमें यहाँ सिटी में रहने की परमिशन दे दी है, साथ ही हमारा अच्छा ख्याल रखते हैं। लिन डोंग जुआन सू को थैंक्स कहता है। जुआन सू ने कहती है कि आप बातें कीजिए, मैं आपको परेशान नहीं करूंगी, और वहाँ से चली जाती है। लिन जेन तियान अपने पोते से कहते हैं कि मैंने पहले से ही अपने कई लोगों को गुप्त रूप से ट्रांसफर कर दिया है, अब सिर्फ किंग टेन ही बची है क्योंकि वो तुम्हें किसी भी हाल में देखना चाहती थी। किंग टेन कहती है कि भले ही मैं मर जाऊं पर मैं अभी भी अपने भाई के साथ रहूंगी। लिन जेन तियान कहते हैं कि तुम ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें मत करो, कोई नहीं मरेगा। साथ ही वो लिन डोंग से कहते हैं कि हम हमेशा 1000 गोल्ड एसोसिएशन को परेशान नहीं कर सकते, इसीलिए हमने अपने बिजनेस को पहले ही दूसरी जगह ट्रांसफर कर लिया है। लिन डोंग कहता है कि ग्रैंडफादर मेरी इस मौत की लड़ाई की पहले ही पूरे शहर में घोषणा हो चुकी है, अगर हम जीत गए तो हमारी लिन फैमिली का चारों तरफ नाम होगा, जिससे हो सकता है कि कुछ दिनों बाद हम अपने बिजनेस को यहाँ सिटी में भी ट्रांसफर कर सके, साथ ही गोल्ड एसोसिएशन की वजह से हमारी पावर भी बढ़ेगी। लिन जेन तियान कहते हैं कि तुम फ्यूचर के बारे में बहुत कुछ सोचते हो, पर वेई टोंग के साथ तुम्हारी मौत की लड़ाई है, क्या तुम्हें विश्वास है कि तुम उसके खिलाफ जीत सकते हो? अगर तुम्हें जीतने का विश्वास नहीं है तो तुम अभी भाग जाओ। लिन डोंग कहता है कि वेई टोंग बहुत क्रूर है, अगर मैं भाग गया तो आप सभी को नहीं छोड़ेगा। इससे वो सभी काफी निराश हो जाते हैं। लिन डोंग कहता है कि आप चिंता ना करें, मैं हारूंगा नहीं। लिन जेन तियान उस पर हमला करते हैं पर लिन डोंग उनके हमले को रोकता है। लिन डोंग उनसे पावरफुल था इसीलिए उन्हें अपनी पावर से दूर धकेल देता है। लिन जेन तियान इससे हैरान होते हैं कि उसने इनिशियल युआन डैन स्टेज में एंटर कर लिया है। किंग टेन अपने भाई से कहती है कि तुम ग्रैंडफादर से भी ज्यादा स्ट्रांग हो। लिन जेन तियान कहते हैं कि हमारी पूरी लिन फैमिली में तुम पहले से युवा व्यक्ति हो जिसने युआन डैन स्टेज में इतनी कम उम्र में एंटर किया हो। साथ ही वो ये भी कहते हैं कि भले ही तुम्हारी पावर बढ़ गई हो पर अभी भी वेई टोंग से निबड़ना आसान नहीं होगा, इसीलिए उसे कम आंकने की कोशिश मत करना। लिन डोंग कहता है कि आप चिंता ना करें, मैं आप सभी को कभी चोट पहुंचने नहीं दूंगा। फिर हम अगले दिन यहाँ सिटी के अरीना का सीन देखते हैं जहाँ आज लिन डोंग और वेई टोंग के बीच फाइट होने वाली थी। लिन डोंग भी वहाँ पहुँच गया था जहाँ गोल्ड एसोसिएशन के साथ ग्रैंड मास्टर यान भी आए हुए थे। आज उस अरीना में बहुत ज्यादा लोग इस बैटल को देखने आए थे। प्रेसिडेंट जिया कहते हैं कि तुम्हें इस लड़ाई में सावधान रहना होगा। लिन डोंग जुआंसू से पूछता है कि क्या मेरे दादा सेफ जगह पर है। जुआंसू कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैंने पहले से ही उन पर
का गुप्त रूप से नजर रखने के लिए लोगों को भेजा है। अगर कुछ भी बुरा होगा तो उन्हें यहाँ सिटी से चुपचाप बाहर निकाल दिया जाएगा। वेई टोंग भी वहाँ जाता है। अब अनाउंसर अनाउंस करता है कि आज वेई टोंग और लिन डोंग के बीच मौत की लड़ाई होगी, इसीलिए आज इनका जीवन हेवन द्वारा डिसाइड किया जाएगा। वेई टोंग अब ग्राउंड में आ जाता है और वो गुस्से में लिन डोंग से कहता है कि जल्दी से नीचे आओ, आज तुम्हें खून की कीमत चुकानी होगी। लिन डोंग नीचे आ जाता है। लिन जेन तियान भी लिन जियो और किंग टेन के साथ ये फाइट देखने आए थे। तभी हम देखते हैं कि एक आदमी उन पर नजर रख रहा था। वेई टोंग अब अपनी पावर को एक्टिवेट करता है। लिन डोंग भी अपनी पावर को एक्टिवेट करता है, जिससे हैरान होता है कि और डेन युआन के इनिशियल स्टेज में पहुंच चुका है। लिन डोंग कहता है कि अगर तुम अभी सरेंडर करना चाहते हो तो कर सकते हो, मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। वेई टोंग कहता है कि मैंने तुम्हें कम आका, पर लगता है कि आज का ये मैच ज्यादा बोरिंग नहीं होगा। अब वो उस पर हमला करने आता है। लिन डोंग उसके वार से बसता हुआ उसे फाइट करने लगता है, पर वेई टोंग डेन युआन के एडवांस स्टेज पर था, इसीलिए और लिन डोंग को दूर धकेलने लगता है। लिन डोंग ग्राउंड की सीमा पर बने एक बैरियर में जाकर टकराता है। वेई टोंग कहता है कि आज हमारे बीच मौत की लड़ाई है, इसीलिए यहाँ है मेटल पावर का बैरियर बनाया गया है ताकि तुम बचकर भाग न सको। अब वो लिन डोंग पर फेटल डिस्ट्रक्शन फिस्ट टेक्निक से हमला करता है, पर लिन डोंग भी तेजी से उसके हमले को रोकने लगता है और उस पर हमला करता है, जिससे वो दोनों दूर हो जाते हैं। लिन डोंग सोचता है कि मैं एडवांस डेन युआन स्टेज को कम नहीं आ सकता, पर इसके पास मेंटल पावर नहीं है। वेई टोंग कहता है कि लड़के तुम्हारा मुझसे कोई मैच नहीं है और उस पर हमला करने आता है। तो अपने शेटल को बाहर निकाल लेता है। ग्रैंड मास्टर यान हैरान होते हैं कि वो सेकंड लेवल का सील सिंबल मास्टर बन गया। लिन डोंग अपने स्पाइरल स्टॉर्म टेक्निक को एक्टिवेट करता है, जिसे देखकर ग्रैंड मास्टर यान कहते हैं कि इस लड़के की मेंटल पावर की तुलना थर्ड लेवल के सिंबल मास्टर से की जा सकती है, साथ में इस लड़के का बहुत अच्छा फ्यूचर है। लिन डोंग अब उस स्पाइरल स्टॉर्म को वेई टोंग पर छोड़ने लगता है। वेई टोंग भी उससे बचने के लिए थाउजेंड स्प्लिटिंग फिस्ट का इस्तेमाल करता है। उन दोनों की पावर आपस में टकराती है। मैनेजर सु थोड़ी डर जाती है और वो कहती है कि वेई टोंग ने इस टेक्निक के इस्तेमाल से तीन प्रोफेशनल युआन टेन स्टेज के लोगों को मार डाला था। लिन डोंग अपनी पावर को बढ़ाता है, पर फिर भी लिन डोंग दूर गिर जाता है। सभी लोग इससे हैरान होते हैं कि लिन डोंग की पावर ज्यादा लग रही थी, फिर भी वो कैसे गिर गया। सभी लोग इससे परेशान थे। अब हमें पता चलता है कि वेई टोंग ने अपने एक मेंटल मास्टर से किंग टेन को अपने कब्जे में ले लिया था, जिससे न चाहते हुए भी लिन डोंग को हारना पड़ रहा था। वेई टोंग कहता है कि मैं इन लोगों को पहले सिर्फ तुम्हें भागने से रोकने के लिए इस्तेमाल कर रहा था, पर मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारी मेंटल पावर इतनी बढ़ जाएगी। लिन डोंग को उस पर गुस्सा आता है और उस पर हमला करने आने लगता है। वेई टोंग कहता है कि तुम ज्यादा चालाक मत बनो, मेरे जिस सील मास्टर ने तुम्हारी बहन को पकड़ रखा है उसकी पावर की तुलना गुइन से की जा सकती है। अगर तुमने जरा भी चालाकी दिखाई तो तुम्हारी बहन को नुकसान पहुंचाएगा। लिन डोंग को ना चाहते हुए भी पीछे हटना पड़ता है। प्रेसिडेंट जिया और बाकी सभी इससे परेशान थे। फिर अब हम देखते हैं कि लिन डोंग वेई टोंग से कहता है कि आज तुम मेरे हाथों से जरूर मरोगे। वेई टोंग हंसते हुए कहता है कि तुम्हारी पावर ने वास्तव में मुझे सरप्राइज कर दिया, लेकिन अब तुम्हारी चिड़िया मेरे हाथों में है, इसीलिए तुम मुझे हरा नहीं सकते। मैनेजर सु और बाकी सभी ये देख लेते हैं कि वेई टोंग ने चालाकी से किंग टेन को हॉस्टेज बना लिया है। मैनेजर सु कहती है कि यह सब हमारी लापरवाही की वजह से हुआ। मैं अभी किंग टेन को बचाने के लिए कुछ लोगों को भेजती हूँ। प्रेसिडेंट जिया ऐसा करने से मना करते हुए कहते हैं कि अभी तुम लापरवाही से काम मत लो, इससे किंग टेन की जान खतरे में पड़ जाएगी। मैनेजर सु कहती है कि अब हम क्या करेंगे, अगर किंग टेन वेई टोंग के कब्जे में ही रही तो लिन डोंग मारा जाएगा। ग्रैंड मास्टर यान कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं इस सिचुएशन को संभाल लूंगा। तो दोनों ग्रैंड मास्टर को धन्यवाद देते हैं। वेई टोंग कहता है कि तुम मुझे मारना चाहते थे तो पीछे क्यों हट रहे हो। लिन डोंग कहता है कि भले ही मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाए, पर मैं अपनी बहन को जरूर बचाऊंगा। वेई टोंग उस पर अपनी थाउजेंड रेप्टर्स पाम टेक्निक से हमला करता है। लिन डोंग उसके वार से बचने की कोशिश करता है, पर वेई टोंग उसे अपने हमलों से बहुत मारने लगता है, जिससे लिन डोंग दूर ग्राउंड बैरियर पर जाकर टकराता है, जिससे लिन डोंग घायल होकर नीचे गिर जाता है। सभी लोग सोचते हैं कि क्या लिन डोंग मर चुका है। युशान भी ये देखकर जोर से हंसने लगता है। किंग टेन को अभी भी उस आदमी ने पकड़ा हुआ था। लिन डोंग को याद आता है कि वेई टोंग ने बताया था कि जब भी अरीना में लाइफ एंड डेथ बैटल होती है तो ये स्पिरिचुअल बैरियर एक्टिवेट हो जाता है, और उसे एक आइडिया आता है कि वो अपने ट्रांसफॉर्म्ड स्वीट नीडल से इस बैरियर को तोड़कर अपनी बहन को बचा सकता है। इसीलिए वापस खड़ा हो जाता है और अब वो दोबारा लड़ने को तैयार था। वेई टोंग कहता है कि तुम अभी लड़ना चाहते हो क्या,
क्या तुम्हें अपने सिस्टर की परवाह नहीं है? वेटोंग अब गुस्से में अपने 1000 रेप्टर्स पाम टेक्निक से उस पर हमला करता है। लिन डोंग भी उस पर अपने शार्प स्पाइरल वेब टेक्निक से उसके हमले को रोकता है, पर वेटोंग लगातार उस पर हमला करने लगता है जिससे लिन डोंग का स्पाइरल क्रैक हो जाता है। पर यह लिन डोंग की एक चाल थी और अपने स्पाइरल के टुकड़ों को स्पीड नीडल में बदल देता है जिससे वो वेटोंग पर हमला करता है। वेटोंग शील्ड बनाकर उन नीडल को रोकने की कोशिश करता है। वेटोंग का साथी भी ये देख लेता है और किंग टेन को मारने लगता है, पर तभी लिन डोंग अपनी स्पीड को उसकी तरफ भेजता है जिससे कुछ स्पीड नीडल उस बैरियर को ब्रेक कर देती है और एक नीडल उस आदमी के चाकू से टकराती है जिससे वो किंग टेन को नहीं मार पाता और लिन जियो मौका देकर उस आदमी को दूर फेंक देते हैं। वेटोंग भी घायल होकर नीचे गिर गया था। प्रेसिडेंट जिया लिन डोंग के इस काम से बहुत खुश थे। वो कहते हैं कि इसने ट्रांसफॉर्म्ड स्पीड नीडल को बहुत ही परफेक्टली शार्प स्पाइरल वेव में छिपाया था और शार्प स्पाइरल वेव से स्पीड नीडल को स्ट्रॉन्ग किया जिससे उसने बैरियर को तोड़ दिया। वहीं लिन जियो को बाहर से किसी के चीखने की आवाज आती है, तभी गेट खुलता है और गेट मास्टर यान वहां गए थे जिन्होंने वेटोंग के साथियों को मार दिया था। वो वहां देखकर हैरान होते हैं कि जिस आदमी ने किंग टेन को पकड़ कर रखा था वो पहले ही साइड में पड़ा हुआ है। वो लिन जेंतियान से पूछते हैं कि ये सब कैसे हुआ। लिन जेंतियान उन्हें बताते हैं कि लिन डोंग ने ट्रांसफॉर्म्ड स्पीड नीडल का इस्तेमाल किया ब्लड क्लोथ गैंग के इस किलर को मारने के लिए। लिन डोंग भी अब उनके पास आकर पूछता है कि क्या आप सभी ठीक हो, तो उसके दादा कहते हैं कि तुम हमारी चिंता मत करो, हम सब ठीक है। पर तभी वो ब्लड क्लोथ सेट का लीडर वापस अपने चाकू से किंग टेन को मारने लगता है, पर गैंग मास्टर यान उसे रोक लेते हैं और उस चाकू से उसे मार डालते हैं। अब वो लिन डोंग से कहते हैं कि यहाँ मैं सबको संभाल लूंगा। तभी वेटोंग भी लिन डोंग पर हमला करता है, पर लिन डोंग उसके हमले से बचता है। वेटोंग उसे कहता है कि तुम बहुत चालाक हो। लिन डोंग गुस्से में उसकी तरफ आता है और कहता है कि तुम्हारे इस हमले से मुझे याद आया कि ये जीवन और मौत की लड़ाई है जो अभी खत्म नहीं हुई। वेटोंग कहता है कि तुम बस एक कचरे हो, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, और उस पर हमला करने आता है। लिन डोंग वंडर गेट सील की 4th लेयर को एक्टिवेट करके उस पर हमला करता है। उन दोनों की पावर जब आपस में कोलैप्स करती है तो तेज धमाका होता है और चारों तरफ धुआं उठने लगता है जिससे किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। लिन डोंग धुएं से बाहर आ जाता है और वो सेफ था, पर वेटोंग घायल हो चुका था इसीलिए वो अपनी हार को स्वीकार कर लेता है। तभी अनाउंसर वहाँ आने लगता है, पर लिन डोंग कहता है कि लाइफ एंड डेथ बैटल है इसीलिए इसमें केवल एक ही जिंदा बच सकता है। लिन डोंग को याद आता है कि कैसे वेटोंग ने उसके परिवार को अपमानित किया और ने मारने की कोशिश की, साथ ही उसकी बहन को भी मारना चाहा। अब वो शटल से उस पर हमला करता है। वेटोंग शील्ड बनाकर उन शटल को रोकने की कोशिश करता है, पर उसकी शील्ड कमजोर थी। योशान को इससे गुस्सा आता है, पर प्रेसिडेंट जिया आकर उसे रोक देते हैं और कहते हैं कि ये लाइफ एंड डेथ बैटल है इसीलिए हमें रूल्स को फॉलो करना होगा। तभी वो शटल वेटोंग की बॉडी के आर पार हो जाता है जिससे खून निकल आता है और वो मर जाता है। योशान गुस्से में वहाँ से निकल जाता है। सभी लोग बातें करते हैं कि ये लड़का बहुत छोटा है पर ये बहुत ताकतवर है, इसने वेटोंग को भी मार डाला। प्रेसिडेंट जिया कहते हैं कि ये लड़का वास्तव में बहुत रूथलेस है। लिन जियो भी कहते हैं कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया। फिर हमें बताया जाता है कि इस बैटल के बाद ब्लड क्लॉथ सेट समाप्त हो गया और ये सब इटर्नल स्ट्राइक की वजह से हुआ था। अब हमें कई महीनों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ लिन डोंग की वजह से लिन फैमिली यहाँ सिटी में फेमस हो गई थी, इसीलिए वो सभी अब यहाँ सिटी में ही रहने आ जाते हैं क्योंकि उन्होंने नॉर्थ में एक बड़ा घर खरीद लिया था। लोग बातें करते हैं कि ये सब लिन डोंग की वजह से हुआ क्योंकि उसने इतनी कम उम्र होने के बावजूद भी ब्लड क्लॉथ सेट कैपेट्रिया को मार डाला। अब हम लिन हाउस का सीन देखते हैं जहाँ प्रेसिडेंट जिया भी उनसे मिलने आते हैं। लिन जियो उनका स्वागत करते हुए बताते हैं कि हमें खेद है कि हम आपसे मिलने नहीं आ पाए। प्रेसिडेंट जिया कहते हैं कि आप बहुत विनम्र हो, साथ ही अब आप हमारी 1000 गोल्ड एसोसिएशन के एक फ्रेंड हो। आज लिन फैमिली ने यहाँ सिटी में हाउस वार्मिंग की है इसीलिए मैं तुम्हें गुड विशेष देने आया था। अब वो दोनों अंदर आ जाते हैं जहाँ किंग टेन जियो यान के साथ खेल रही थी। वो दोनों प्रेसिडेंट जिया को देख कर उन्हें प्रणाम करते हैं। प्रेसिडेंट जिया वहाँ फायर पाइथन को देख कर खुश होते हैं। वो लिन डोंग से मिलना चाहते थे पर किंग टेन उन्हें बताती है कि भाई को कुछ काम था इसीलिए वो सुबह जल्दी से निकल गए। प्रेसिडेंट जिया कहते हैं कि मैं उसके लिए कुछ एथेरियल ग्रास लेकर आया था जो किसी भी स्पिरिचुअल पावर को नरिश कर सकता है, इसीलिए इसे मेरी तरफ से अपने भाई को दे देना। किंग टेन उस हर्ब को ले लेती है और प्रेसिडेंट जिया को थैंक्स बोलती है। प्रेसिडेंट जिया कहते हैं कि हाल ही में हेवनली एसेंस माउंटेन पर
एक इंसिडेंट हुआ, शायद वहाँ कोई ट्रेजर हो सकते हैं जिसमें तुम्हारे भाई को रुचि हो सकती है। वहीं हम लिंडोंग को देखते हैं जो ग्रैंड मास्टर यान के घर पर होता है। मास्टर उसे अपनी मेंटल पावर से चाय सर्व करते हैं तो लिंडोंग भी उन्हें अपनी मेंटल पावर से चाय सर्व करता है। इससे वो दोनों हंसने लगते हैं। लिंडोंग अब चाय पीने लगता है और वो मास्टर यान से पूछता है कि आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया, क्या मेरे लिए कुछ इंस्ट्रक्शन है। ग्रैंड मास्टर यान कहते हैं कि अब तुम सीएसएमएल मास्टर की सेकंड लेवल पर पहुंच चुके हो और तुम्हारा स्पिरिचुअल टैलेंट बहुत स्ट्रांग है और मैंने पिछले सालों में ऐसा टैलेंट किसी के पास नहीं देखा, पर अभी भी तुम स्पिरिचुअल पावर की इनिशियल लेवल पर हो। लिंडोंग कहता है कि मास्टर अब से मैं आपके एडवाइस पर चलूंगा। ग्रैंड मास्टर कहते हैं कि अगर मैं ईमानदारी से कहूं तो मैं खुद भी इतना बेहतर नहीं हूं। लिंडोंग कहता है कि ग्रैंड मास्टर आप बहुत विनम्र हो, आप मेंटल पावर की फोर्थ लेवल पर हो, साथ ही आप इस यान सिटी के स्ट्रांगेस्ट मेंटल मास्टर हो। ग्रैंड मास्टर कहते हैं कि भले ही मैं फिफ्थ लेवल पर होता पर अभी भी ये मेंटल रैंक की सिर्फ शुरुआत है, शायद तुम मेंटल रैंकिंग को नहीं जानते। लिंडोंग कहता है कि आपने सही अनुमान लगाया, मुझे मेंटल मास्टर की क्लास के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। ग्रैंड मास्टर बताते हैं कि तुम और मैं अभी केवल मेंटल एनर्जी की फर्स्ट क्लास सील सिंबल मास्टर है, इसीलिए दूसरी क्लास सोल सिंबल मास्टर होती है। जब तुम उस लेवल पर पहुंच जाओगे तो तुम्हें स्पिरिचुअलिटी गेन होगी, साथ ही इस लेवल के स्ट्रांग इंडिविजुअल्स किसी पहाड़ को भी गिरा सकता है और एक समुद्र को भी खाली कर सकता है सिर्फ अपने एक विचार से। लिंडोंग इसे चौंक जाता है। साथ ही सोल सिंबल मास्टर के ऊपर हेवन सिंबल मास्टर होता है जिनकी पावर के बारे में वो सोच भी नहीं सकता, इस क्लास से ऊपर जाने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकता। और वो लिंडोंग से पूछते हैं कि क्या तुम स्ट्रांग बनना चाहते हो। लिंडोंग कहता है कि क्या आप मुझे कल्टीवेशन का कोई मेथड सिखाएंगे जिससे मैं स्ट्रांग बन सकता हूँ। तो हंसते हुए कहते हैं कि अब तुम्हारे पास एक रेयर अपॉर्चुनिटी होगी क्योंकि जल्दी तलिस्मान मास्टर टावर कॉम्पिटिशन शुरू होने वाला है। वहीं फिर हम दूर पहाड़ों पर लिंगलांग तियान को देखते हैं जो अब काफी पावरफुल हो चुका था। वो अपने तलवार के एक वार से पहाड़ को भी दो टुकड़ों में बांट सकता था। लिंगलांग तियान के पास एक मैसेज आता है जिसे जब वो पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि निर्वाण रियल्म के किसी स्ट्रांग व्यक्ति की कब्र है जिसे वो हासिल कर सकता है, इससे वो खुश होता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं सही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।